Subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update.
एक नजर हमारी तरफ भी देखो। अच्छा बाबा, अभी तुम लोग मेरा दिमाग मत चाटो और बोलो क्या है। भगवान का प्रसाद चाट जाइए। हाँ चाचा, इसको खाने के बाद किताब बंद करोगे तो भी पढ़ाई खुद ब खुद दर्जे में उतर जाएगी। परीक्षा नहीं दोगे तो भी डिग्री मिल जाएगी। हाँ चाचा, नौकरी नहीं करोगे तो भी तनख्वाह खुद ब खुद घर में आ जाएगी। चुप है, तुम लोग मुझे पढ़ने दोगे कि नहीं? मेरा एग्जाम सर पर है, भागो यहाँ से, चलो। हाँ हाँ, पढ़ो लिखो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरी माँ, मेरे बाप, भागो भागो। माँ 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 माँ, प्रसाद लो। भगवान, तूने अपने इस खजाने से भिखारी को सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत, मगर एक चीज की कमी की है भगवान, और वह है शांति। इस घर में शांति नहीं है। जिस तरह इस संसार में मर्द के लिए इज्जत जरूरी है, औरत के लिए आबरू जरूरी है, उसी तरह घर के लिए शांति जरूरी है। इस घर को शांति दे भगवान, बाकी रहना भगवान का। अरे कहां गए सबके सब? लो कर लो पढ़ाई, जाग गया एटम बम। अरे ये कुएं में कूद कर मर गए, कहां गए? अरे सामने कोई आता नहीं, क्या बात है? सुबह सुबह शब्दों के गोले मार मार के इस घर को मैदान जंग बना देती हो। एक बात बताओ, हिटलर तुम्हारा बाप था क्या? तुमने फिर मेरे बाप का नाम लिया। अरे भाग्यवान, तो तुम ही खामोश बैठ जाओ ना, कितना चिल्ला रहे हो, मकान की छत उड़ जाएगी। चिल्लाऊंगी नहीं तो और क्या करूंगी? इस घर में तो लातों के भूत रहते हैं, बातों से कोई सुनता ही नहीं। तुम मुझसे बातें करती हो या मुझसे लातें चलाती हो? देखो जी, तुम मुझसे फिर उलझ रहे हो। अरे मैं जहरीले कांटों में उलझ सकता हूँ, मगर मैं तुमसे नहीं उलझ सकता, मेरे बाप की तौबा है। अब बताओ क्यों चिल्ला रही हो? मेरा चश्मा कहाँ है? हे भगवान, इसकी अकल की कोठड़ी में तो अंधेरा कर दिया, कम से कम आंखों में तो रोशनी देना चाहिए था। अरे भाग्यवान, तुम्हारे पास है। मेरे पास कहाँ है? शरीर की उस ऊंची कोठड़ी में जहाँ अकल को होना चाहिए था, मगर नहीं है। अरे इधर उधर क्या देख रही हो? तुम्हारे सर पे रखा हुआ है। हाँ? मालूम है, जरा सी भूल क्या हुई कि लगे डांटने। रात के 10 बजे खाया था, सुबह से एक भी बालक तो नहीं खाया। अरे तो खाती कहाँ से, रात को खाना खाती तुम सो गई और अभी सो के उठी हो। कहो तो एक नौकर रख लूं जो रात को तुमको सपने में खाना खिला दिया करे। तुम अपना बेहुदा मजाक बंद करते हो या नहीं? भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। लानत भेजो उन चूहों को जो तुम्हारे पेट में। लीजिए नाश्ता तैयार है, कहाँ रखूं? मेरे सर पे रख। सर पे रखेगी तो खाओगी कैसे, ऐसे उठाकर? तुम चुप रहते हो या नहीं? रे नाम भगवान का, रात चल रहा है शैतान का। क्या कहा? नहीं मैं तो भगवान को याद कर रहा था, मैं तुमसे, मेरा दिमाग खराब है जो तुमसे उलझूंगा? लानत भेजो। ये नाश्ता है? और ये कल मुई मेरा बादाम का दूध कहाँ है? वो क्या अपने बाप को पिलाने के लिए छुपा कर रखा है? नहीं माँ जी। माँ जी की बच्ची डायन कहीं की, पहले तो मेरे बहुत जैसे बेटे को खा गई, अब नो जाने किस किस को खाने वाली है। बहू, ए छोटी बहू, जी माँ जी। बहू, मैंने तुझे सूखे मेवे मंगवाने के लिए कहा था, क्या हुआ? वो मैंने अमर को लेने के लिए कहा था। अमर से? जी। अमर, अरे ओ अमर। क्या बात है भाभी? अरे ओ भाभी के पुजारी, तेरी भाभी ने नहीं बुलाया था, भाभो ने बुलाया था, तेरी माँ ने। क्या बात है माँ? अरे मैंने सूखे मेवे मंगवाने के लिए कहा था, क्या हुआ? वो माँ, मेवे तो मैं लाया था, लेकिन तुम्हारे घर में एक बिल्ली है ना, वो खा गई। देखो ना माँ, ये हमेशा मुझे बिल्ली बिल्ली कहता रहता है, अगर ये ऐसे ही चिढ़ाते रहा तो मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। हाँ सच। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। हुँ? उमा, तुमने जिंदगी में पहली बार समझदारी की बात की है। कब जा रही हो? गुड मॉर्निंग। लो मुबारक हो, मुबारक हो भाई, हमारे प्यारे जीजा जी श्री लल्लू राम जी ललित प्रसाद। क्या सही मौके पे आए। क्यों सालेमिया, सब खैरियत है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं खैरियत है नहीं, मगर खैरियत की रोशनी नजर आ रही है। अच्छा, वो भी अगर आपकी मर्जी हो तो। वो कैसे?
मेरी प्यारी बहन ने पहली बार ससुराल जाने का नाम लिया है। हाँ? आप आ गए। क्या बात कर रहे हैं? सही बात कर रहा हूँ। नेक काम में देरी किस बात की? प्लीज प्लीज हैं? चला गया, जरूर कोई लफड़ा होने वाला है। उमा डार्लिंग, उमा उमा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, चलो मेरे साथ। कभी दोबारा ले जाने की बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर क्यों? अरे पहले माल कमा, बंगला बना, गाड़ी खरीद, फिर मेरी लाडली को ले जाने की बात कर। वो तेरे सड़े हुए झोपड़े में नहीं रह सकती। अरे सड़ा हुआ तो क्या हुआ, तेरी मेहनत का झोपड़ा है। भाग यहाँ से। अरे आज मैं अकेला नहीं भागूंगा, आपकी बेटी को साथ भगा के ले जाऊंगा। अरे क्या माँ माँ करती है गाय की तरह। उमा मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तू अपने पति परमेश्वर के साथ आना चाहती है? नहीं नहीं चाहती। मैं तुझे जबरदस्ती भगा के ले जाऊंगा। अरे अरे तुम सास हो या फूलन देवी? अरे मारा नहीं, मुझे को मारा नहीं। अरे क्या सास है, लकड़ी किसी को बात ही नहीं करती। देख लेना मैं लेके ही जाऊंगा। बड़ा आया बेटी को ले जाने वाला। अरे खुद की शादी में मैंने बरातियों को भगा दिया था। अबे रास्ते से हट, पहले उसको तो छोड़। तेरी क्या लगती है रे? बताऊं? बता। चलो बता ही देते हैं। कौन थे ये लोग? पता नहीं, मुझे घर जाने की जल्दी थी। उस आदमी ने कहा चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। रास्ते में 3-4 गुंडे और बैठ गए और इसी तरह मुझे यहाँ ले आए। कमाल करती हैं आप भी, इस तरह से कोई अनजान आदमी अगर लिफ्ट दे दे तो क्या उसकी गाड़ी में बैठ जाना चाहिए? मुझे क्या मालूम था उसकी नीयत में खोट है। भगवान ने इंसान को दो तरह की आंखें दी हैं, एक शक्ल पर और दूसरी अक्ल पर। कभी कभी अपनी अक्ल की आंखों का भी इस्तेमाल कर लिया करो, दोबारा धोखा नहीं खाओगी। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं। अरे रुक क्यों गई? अक्ल की आंखों से देखिए क्या मैं गुंडा लगता हूं? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। आप नहीं कह रही मगर आपके चेहरे का उड़ा हुआ रंग कह रहा है। चलिए। बस यही रोक दीजिए। आप यहां रहती हैं? अच्छा मैं चलती हूँ। वाह रे ऊपर वाले वाह,
क्या जमाना आ गया है। ये दुनिया भी कितनी बेमुरव्वत है। जिनकी मदद करो शुक्रिया अदा करना तो दूर की बात है, घर बुलाकर चाय को भी नहीं पूछते। वेरी बैड। आई एम सॉरी, मैं मजबूर हूं। ऐसी क्या मजबूरी है? मेरी मजबूरी का दूसरा नाम मेरी भाभी है, जो मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। कमाल है, ये कैसी भाभी है? भाभी तो माँ का दूसरा रूप होती है। मेरी भी एक भाभी है, लेकिन वो तो मुझे माँ से भी ज्यादा प्यार करती है। आप बहुत खुशनसीब हैं जो आपको ऐसी भाभी मिली। अच्छा तो चलो मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। मैं तुम्हें अपने भाभी की हाथों की बनाई हुई गर्मा गर्म चाय पिलाऊंगा, अब बैठो ना। अरे नहीं नहीं, अगर मेरी भाभी को पता चला कि मैं तुम्हारे साथ गई हूँ तो मुझे घर से निकाल देगी। तो क्या हुआ, अगर तुम इस घर से निकाली जाओगी तो मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा। अच्छा, इतनी जल्दी इतनी हमदर्दी हो गई मुझसे? अरे भाई, हम तो चलते फिरते हमदर्द दवा खाना है। जब भी किसी को दर्द में कराहते देखा, हमदर्द बनकर उसके दर्द का इलाज करने बैठ गए। तुम्हारी हंसी कितनी खूबसूरत है, क्यों कुछ गलत का मन है? वो तो नहीं मालूम मुझे, लेकिन आप डायलॉग बहुत अच्छा बोल लेते हैं। अरे भाई, जब सामने कैमरा हो तो डायलॉग मारना ही पड़ता है। मेरा ख्याल है अब मैं चलूं। सुनो, अब दोबारा मुलाकात का कोई चांस? चांस तो है, मगर कब कहां किस वक्त पता नहीं। वो आइए महारानी जी, आइए। बहुत जल्दी लौट आई कॉलेज से, रात गुजर जाने देती कल सुबह तशरीफ ले आती। भाभी, आज घर लौटते समय मुझे कुछ बदमाशों ने घेर लिया था। अच्छा, बदमाशों ने घेर लिया था? मैं सच कह रही हूँ भाभी। खामोश, बढ़िया ही सच बोलने वाली। लड़कों ने तुझे घेर लिया था या लड़कों का घेरा देखकर तू खुद उसमें घुस गई थी? भाभी, अरे हाथ भर की लौंडिया मुझे आंखें दिखाती है, उंगलियां दीदों में घुसेड़ कर अंगूर के दानों की तरह आंखें निकालूंगी। एक तो बदमाशी की चाल चलती है, ऊपर से तेरी मेरी आंखें दिखाती है। आने दे आज तेरे भैया को। अरे आने दे क्या मतलब, आ गया मैं आ गया। देखो जी, तुम अपनी छिछोरी हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे मैंने क्या हरकत की पहलवान? क्या मेरा मतलब है भगवान, तुमने कहा कि आने दे तेरे भैया को, तो इसका भैया ऑफिस से यहाँ एक सेकंड में उड़ता हुआ आ गया। अब कहो क्या हुक्म है? मुझसे क्या पूछते हो, पूछो अपनी लाडली बहन से। ये कॉलेज से आने का वक्त है, मैं 2 घंटे से उसके इंतजार में टहल रही हूँ। अरे हाँ, तुम तो टहल टहल कर एकदम आधी हो गई हो। क्या कहा? मेरा मतलब, अच्छा उसकी ये हिम्मत? हाँ, और जब मैंने पूछा तो ऊपर से आंखें दिखाती है। आंखें दिखाती है? हाँ? किसकी आंखें? अरे खुद की आंखें। अच्छा उसकी ये हिम्मत, एक तो गलती करती है ऊपर से खुद की आंखें दिखाती है, उसकी ये हिम्मत? तुम ये हिम्मत कहते रहोगे और ये एक दिन हमारे मुंह पे काले पोत के बिरादरी में नख कटा के उड़ जाएगी। उसकी ये हिम्मत? ओह माफ करना, घड़ी घड़ी हिम्मत नहीं कहना चाहिए ना, मैं उसे ठीक करता हूँ। देखो तुम एक काम करो, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना के लाओ, क्योंकि गुस्से के इंजन के लिए चाय पेट्रोल का काम करती है। जाओ जल्दी जाओ। और सुनो, जरा गर्मा गर्म भजिया भी बना लाना। अच्छा। प्लीज, उसकी ये हिम्मत? अरे क्या हुआ, मेरी गुड़िया यूं मुंह लटकाए क्यों खड़ी है? अरे यार, मैं समझा कि तुझे बूढ़ा हो चला हूँ और तेरी खोपड़ी में बात ही नहीं आती। पगली सुन, भगवान ने इस दुनिया में 2 किस्म की मिर्चियां बनाई है, एक तो वो जो पेड़ से लटकती है और दूसरी वो जो जबान से टपकती है। और तेरी भाभी की जो जबान है ना, वो तो कड़वे मसाले का भंडार है भंडार। जब तक किसी का दिल दुखा न दे ना, उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती। मगर तू क्यों घबराती है? जब तक तेरा ये भाई जिंदा है ना, तब तक ऐसे लोगों की बातें इस कान से सुनकर उसी कान से निकाल देना, इस कान तक पहुंचने ही मत देना, समझी? आज सुनते हो? तेरी ये हिम्मत, कान खोल कर सुन ले आशा, अगर तूने तेरी भाभी को दी निराशा तो बदल दूंगा तेरे जीवन की भाषा, समझ गई आशा? अरे हाँ बोलना। समझ गई भैया। हाँ, और खबरदार। फिर मैंने भी वो शॉट्स मारे कि उनकी तो बिल्डिंगों के खंभे हिला कर रख दिए। अगर तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? लगी, दिल पर लागी करजवा कटार। अब भाभी, जब भैया भी इतने इतने दिन घर नहीं आते तो तुम्हारे दिल में भी तकलीफ होती है ना? है? मुझे भी वहीं पर हल्का हल्का, मीठा मीठा, खट्टा खट्टा, अब पिपरमेंट जैसा दर्द हो रहा है। शर्म नहीं आती?
मेरे सामने तो ऐसी बातें करता है। अब भाभी देखो, तुम मेरी मदर फ्रेंड हो, यानी कि माँ जैसी दोस्त। मैं तुमसे नहीं कहूंगा तो और किससे कहूंगा? वैसे मैं चुपके से उसका एक फोटो भी चुरा के लेके आया हूं, दिखाओ। कैसे लगी? माँ जी को दिखा दो ना। बाबा ना, मरना है क्या? बल्कि मैं कहता हूं जब तक ये मामला जम ना जाए तुम भैया से भी कुछ मत कहना, मत कहना। हाँ, जब तक मैं लड़की देखकर हाँ ना कह दो तब तक तो मामला आगे नहीं बढ़ाना। लेकिन भाभी, अब क्या है? मुझको तो लगता है कि मामला आगे बढ़ चुका है। एक मुलाकात में? हाँ, कंप्यूटर का जमाना है ना भाभी, वो जमाना गया जब लोग दिल पे हाथ रख के बरसों इंतजार किया करते थे। वो घासलेट का जमाना था, लोग बैलगाड़ी में सफर किया करते थे। अब लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं, जमाना रॉकेट का आ गया है। आंखों से रॉकेट छूटा, दिल में घुसा, 10 मिनट में प्यार खत्म। दी एंड एंड बस बस। अच्छा, तो भाभी अमर को प्यार करने का सबक सिखा रही हैं। हेलो हेलो डार्लिंग। हरामखोर, डार्लिंग होगी तेरी माँ, तेरी बहन, तेरा पूरा खानदान। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी सड़ी हुई खून चाटने वाली चुड़ैल ने फोन उठा लिया था। वंस मोर। हेलो हेलो, नमस्ते, आशा है? आप कौन बोल रही हैं? जी जी, मैं उनकी एक इकलौती सहेली बोल रही हूँ। तुम्हारा नाम? जी मेरा नाम है नूरुनिसा मेहरुनिसा कमरुनिसा दुख्तरे रज्जाकली मोहम्मद अली चूना लगाने वाला। बस बस बस, क्या काम है आशा से तुम्हें? जी दरअसल क्या है आंटी। खामोश, मैं आंटी नहीं, मैं उसकी भाभी बोल रही हूँ। माफ कीजिएगा, वैसे आवाज से तो आप माशाल्लाह उनकी छोटी बहन लग रही है। दरअसल बात क्या है आपा, कल के 3 बजे के शो की मैंने 2 टिकटें ली हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आशा को अपने साथ ले जाऊं। फिल्म का नाम क्या है? कबाब में हड्डी। कबाब में हड्डी, किस टॉकीज में लगी है? निवाला टॉकीज में। निवाला टॉकीज? हाँ, अभी अभी नई तो बनी है ये टॉकीज। मगर ये फिल्म कबाब में हड्डी लगेगा? अभी 5 मिनट पहले, कल जरूर भेजिएगा। खुदा हाफिज, बाय, सी यू। माफ कीजिए, आप राम बाबू है ना? जी हाँ। मगर आप? मैं डॉक्टर शर्मा की बेटी दीपा हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी कोई बात नहीं, लोग बरसों में अपने आप को भूल जाते हैं, मैं तो फिर भी गैर हूँ। क्षमा कीजिएगा दीपा जी, आपके पिताजी ने आपकी तस्वीर माँ को भेजी थी, लेकिन मैं शादी के लिए हाँ ना कर सका, वो इसलिए कि मैं किसी और से प्रेम करता था। इसमें माफी मांगने की क्या बात है, शादी ब्याह तो मुकद्दर से होते हैं, जोड़े तो ऊपर ही बन जाते हैं, सिर्फ फेरे इस दुनिया में होते हैं। कैसी है आपकी पत्नी? बहुत अच्छी, मेरा तो जीवन खुशियों से भर दिया उसने। 2 दिन दूर रहूं तो रहा नहीं जाता, उड़कर पहुंच जाने को मन करता है। अच्छा, वैसे मैंने सुना था कि आपकी सगाई किसी पायलट से हुई थी। जी, मगर शादी से पहले ही प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई। ओह, आई एम सॉरी। फिर आप? फिर क्या, ये सदमा पिताजी भी सह ना सके, वो भी गुजर गए, और फिर शादी से मेरा भी दिल उठ गया, घर बसाने का या किसी की पत्नी बनने का इरादा ही छोड़ दिया। अब आप क्या कर रही हैं? डॉक्टरी कर रही हूँ, लोगों की सेवा करके सुख बटोरती हूँ। बॉम्बे में प्रैक्टिस करने का इरादा है, बस वही रहूंगी। अच्छा, बॉम्बे में? वेरी गुड, चलो अच्छा है, हमारे शहर में मेहमान बनकर आ रही हो, कुछ माफी मांगने का, कुछ सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं अपना कार्ड देता हूँ आपको, ये है मेरा घर का एड्रेस। थैंक यू। अच्छा बाबा, माफ कर दो, आने में क्यों देरी हो गई,
जी। हेलो डॉरी, तुम कैसे हो? कोई मत डॉरी, मैं अच्छा हूँ। अभी से छड़ी पकड़ ली? ये तो मैं अपने बुढ़ापे के लिए आया हूँ पिताजी। तेरे बुढ़ापे के लिए? अरे बेटा, तेरा बुढ़ापा भी बहुत दूर है। नहीं नहीं, मेरा बुढ़ापा तो मेरे सामने खड़ा है। कहते हैं कि बेटा बूढ़े बाप की जवानी होता है, तो बाप बेटे का बुढ़ापा हुआ, यानी कि मैं ये आपके लिए लाया हूँ पिताजी। बड़ी खूबसूरत छड़ी है, ये तो बिल्कुल मेरी तरह बूढ़ी हो गई है। दादाजी, चाचा जी, ये छड़ी दादी को मारने के लिए लाए है क्या? सुनेगी तो कयामत कर देगी। वो तो हर रोज होती है, इसमें नई बात क्या है? वैसे माँ है कहाँ? अरे बेटे, मैं यहाँ हूँ। अरे माँ, हाजिरी देने जा रहा हूँ। जुग जुग जी हो बेटा। कैसे आप? अच्छी हूँ। कैसा तू? ठीक हूँ। माँ, ये तुम्हारे लिए साड़ियाँ और इसमें तुम्हारी वो परफ्यूम वगैरह वगैरह जो मंगाई थी ना, सब ले आया हूँ। कितना ख्याल रखता है मेरा। एक ये है, एक गिलास पानी तक नहीं पिलाता। झूठ क्यों बोलती है माँ? कल दो ग्लास पानी नहीं पिलाया था क्या? शैतान कहीं। अरे माँ, मैं तेरा बड़ा बेटा हूँ, कमाता हूँ, इसलिए तेरा ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ये तो बेचारा छोटा है, पढ़ रहा है, तो हुक्म करना तुझे क्या चाहिए। राम, अच्छा हुआ तू आ गया,
तेरे जाने के दो दिन बाद मेरा 2 किलो वजन कम हो गया। सुन लो, क्या क्यों झूठ बोल रहे हो? 2 किलो थोड़ी, 3 किलो वजन घट गया। कैसे कैसे? अरे क्या हो भैया, कि बेचारी माँ का चश्मा नहीं मिल रहा था तो माँ मेरे पीठ के ऊपर पाव रख के चली गई। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि वजन 2 किलो नहीं 3 किलो घट गया। तू क्या चल दिया रे? क्या हुआ? लाद, ये रही चाबियां तेरी नई मोटरसाइकिल की, और होंडा लाया हूँ। होंडा होंडा मुझे कोई संभालो, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं। नमस्ते भाभी, कैसे हो? मैं ठीक ठाक हूँ। मैं आपके लिए कपड़े और बच्चों के खिलौने लाया हूँ, इसमें सीता से ले लेना। भैया मेरे लिए क्या लाए? तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए तो मैं भूल गया। वो अरे भूल कैसे गए, वो लाए ना, वो लाए ना, लाया लाया लाया। ये लाइए बायोस्कोप, ये बायोस्कोप, ये अंदर की चीज है ना, इसे मार के इसे घुमा के सिनेमा देखना है। खुश लेना, खुश। मैं सीता, बच्चे इससे ही खेलते हैं। बायोस्कोप बायोस्कोप लाने की क्या जरूरत थी? इससे अच्छी बायोस्कोप तो घर में चल रही है। तुम रोज घूमने जाना और घर में रोज नई नई फिल्में देखते रहना, आहिस्ता आहिस्ता सब पता चल जाए। क्या बक रही है? अरे तुम चुप रहो जी। अरे अब आ गए? यार तुम बीवी हो या सीआईडी ऑफिसर हो, बिना देखे पहचान गए? बीवी तो पति को सुनकर पहचान लेती है, और आपके बगैर कौन छू सकता है? या तुम बहुत धार्मिक बातें करती हो। वैसे आज मेरा मूड बहुत रोमांटिक है, आंखें बंद करो ना। क्यों? आंखें बंद करो ना। अरे बहुत खूबसूरत है ना, लेकिन इतना कीमती हार क्यों? खूब ख्याल रखा जा रहा है सबका, किसी को हार, किसी को मोटरसाइकिल, किसी को छड़ी, और एक हम है कि हमें कोई पूछने वाला ही नहीं। हाँ भाई, पराई जो हो गई हूँ। अरे पगली, तुझे क्या चाहिए? मुझे ये हार चाहिए। ये ले लो। अरे नहीं सीता, ये क्या करे तुम? उमा मैं तुम्हारे लिए दूसरा हार ले आऊंगा। अरे ये तो मंगलसूत्र की तरह मैं तुम्हारे लाया हूँ। अरे तू मेरे साथ ससुराल चल, ऐसे 10-10 हार बनवा दूंगा। फिर तुम देखो जी, मेरे मुंह मत लगो, अच्छा नहीं होगा। ये कौन सी नई बात कही, कौन सी नई बात कही? तेरे साथ रह के कभी अच्छा हुआ जो अब तेरे मुंह लग के होगा? अब चुप भी करो। देखा, ये ऐसा है, मैं जरा इसका स्क्रू टाइट करके आता हूँ, पहले स्क्रू है या नहीं देखता हूँ। ये हार उमा को दे देते तो क्या होता? आपकी बहन है। अरे बहन है तो क्या हुआ, शादीशुदा है, को बच्ची थोड़ी है। कौन सी चीज मांगनी चाहिए कौन सी नहीं, इतनी अकल तो होनी चाहिए उसे, और जात को इतना सलीका होना बहुत जरूरी है। मे आई कम इन? यस। अरे दीपा जी, आप और यहां, आपकी बहनोई ने बताया कि आप यहाँ हैं। खैरियत तो है अचानक? अभी तो आपके साथ मैं ट्रेन में सफर करके आ रहा हूँ। जी हाँ, सफर तो करके आ रहे हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ ज्यादा सफर करा दिया। जी मतलब? मतलब ये कि आप मेरा सूट किस ले आए और अपना छोड़ आए। I'm sorry, ये हो गया, ये बस हो गया, ये अंदर आइए। ये शायद आपकी पत्नी है। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीपा है। मेरा नाम सीता है। बहुत सही नाम है, एक तो राम जी की पत्नी के हिसाब से, दूसरी नजर ना लगे आप बहुत खूबसूरत हैं, और तीसरे जिस तरह आपने राम जी को अपने प्यार की जंजीरों में जकड़ रखा है उसके हिसाब से रास्ते भर आपकी तारीफों की माला जप रहे थे। बैठिए, कहिए क्या पियेंगे आप? कुछ ऐसा पिला दीजिए कि मरी सिर्फ मेरी ही तारीफ करने लगे, जिस तरह ये आपकी तारीफ कर रहे थे। बहू, ओ बहू, अरे पति बाहर से आया है, 14 साल के वनवास से तो नहीं आया। मैं भी आई। अरे बहू, बहू, ये इतनी जोर जोर से कौन चिल्ला रही है? ये मेरी माँ है, ये दिन में 1000 बार चिल्लाने लें तो उनका खाना हजम नहीं होता, 2000 बार किसी से झगड़ा ना कर लें तो रात को उनको नींद नहीं आती है। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे वो चाय ला रही है सीता, वो जी नहीं फिर कभी। अच्छा चलिए, मैं आपको छोड़। मेरा सूटकेस तो इनायत कर दीजिए। यस ऑफ कोर्स, ये आपका है, प्लीज।
सुनो एक पप्पी दो ना। तुझे पता है आज दिन कौन सा है? आज बुधवार है। अरे बुधवार की चाची, आज तेरा जन्मवार है, मेरा मतलब है जन्मदिन है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये पैकेट, ये सब क्या है भैया? जरा हटना। सालगिरह के मुकद्दस दिन पर माँ बदौलत अपनी छोटी बहन को तोहफों में तोलना चाहते हैं। ये पैकेट बड़ी नजाकत और नफासत के साथ खोला जाए। जो हुक्म आ लीजा। जल्दी करो। Did you like it? बहुत अच्छी है। भैया आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तकदीर ने एक ही तो बहन दी है, उसका ख्याल ना रखूं? अरे मेरा बस चलता ना तो अपना दिल निकाल कर तुझे तोहफे में दे देता, लेकिन मुसीबत यह है कि दिल मेरे पास एक ही है, और अगर वो तुझे दे दिया तो अपनी जिंदगी की गाड़ी बंद हो जाएगी, है ना? और फिर हमारी बहन का ख्याल कौन रखेगा है? ये क्या, आज के दिन रोना धोना? बुरी बात, बुरी बात। अरे आज के दिन हंसोगी तो साल भर हंसती रहोगी। हंसो फिर कंजूसी, हंसो ना। जल्दी से दरवाजा खोलो। लगता है इतना तू अंदर जाना संभाल लो। जी खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो। अरे आया भगवान आया। कहाँ है वो, कहाँ है वो तुम्हारी लाडली बहन? अरे यार क्या तुमने करेले के पेट से जन्म लिया था, आते ही हमला शुरू कर दिया क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब है जरा घर के अंदर आ जाओ, दो चार सांसें ले लो फिर बात करो। सांस ले लो? हाँ। तुम्हें असलियत का पता चल जाएगा तो तुम्हारी सांस बंद हो जाएगी। अब क्या हुआ? क्या हुआ ये पूछो, क्या नहीं हुआ? अच्छा क्या नहीं हुआ? मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो एक गुंडे के साथ मोटरसाइकिल पर चिपक के बैठी थी। अच्छा, उसकी ये हिम्मत? तुम हिम्मत हिम्मत कहते रह जाओगे और वो किसी लुच्चे लफंगे के साथ एक दिन सुर हो जाएगी और बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। नहीं कटेगी, नहीं कटेगी, हम लोहे की नाक लगवा लेंगे। तुमने फिर मजाक किया? मजाक? कैसा मजाक? मैं तो गुस्से से लाल हो रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। हाँ, उसकी ये हिम्मत, ठीक है कल मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? आज उसका जन्मदिन है। उसका जन्मदिन है लेकिन हमारी इज्जत का मरण दिन है। मैं कहती हूँ अभी जाकर उसकी खबर लो। माया तुमने तो हमेशा मुझे समझदारी की बातें सुनाई हैं और आज तुम ही नासमझी की बातें कर रही हो। समझदारी की बात? तुम्ही से तो मैंने इंसानियत का सबक सीखा है। तुम्ही ने तो कहा था कि जब किसी की खुशी का दिन हो या जन्मदिन हो तो उसकी सारी गलतियां माफ कर देनी चाहिए। मैंने कहा था? कब? शायद तुम्हें याद नहीं, हर बड़ा आदमी बड़ी बड़ी बातें करके उसे भूल जाता है, फिर तुम्हें कहां से याद रहेगा। लेकिन मैं भी कुछ भूल रहा हूँ। क्या भूल रहा हूँ? क्या? याद आया, याद आया। अरे मेरे लख्त जिगर, ये तुम्हारे लिए तोहफा। क्या नजाकत है, वाह वाह, यानी प्यार से दिया हुआ तोहफा कितनी नजाकत से कबूल कर रही है मेरी रानी। माया अगर तुम्हारे जैसी नर्म मिजाज और ठंडे दिल की औरत मेरी जिंदगी में ना आती तो मेरा क्या होता? पसंद आई? आहिस्ता आहिस्ता, ये कुत्ते का कान नहीं मेरा गाल है, गाल। थैंक यू। दोनों बचा भच चॉकलेट खा रहे हैं, इसमें कोई जरूर गहरी चाल है। माँ माँ, अच्छा तो ये बात है, अरे मैं तो उनका खून पी जाऊं। चलो उन पिल्लों को जलकर पूछें कि मेरी इजाजत के बगैर उनको चॉकलेट किसने दी। चल माँ, चल चल चल, ऐसी धुलाई करके उनको याद रहे। वो देख माँ छुप के बैठे हैं। केतन कांता किधर आओ। जी 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 दादी माँ। दादी माँ के बच्चे, ये चॉकलेट किसने दी? और अगर तुम दोनों ने बाजार से खरीदी है तो पैसे कितने दिए? क्या कह रहे हैं आप? मासूम बच्चे को इस तरह मारा जाता है? आपके पोता पोती हैं, कोई जानवर तो नहीं है? इन हराम खोरों ने मेरे कलेजे को छन्नी की है, सबसे पूछ रही
ये चॉकलेट कहाँ से आई है? जवाब ही नहीं दे रहे हैं और जब तक ये जवाब नहीं देते मेरे हाथ रुकने वाले नहीं। अम्मा जी, जाइए, इतना जुल्म मत कीजिए। क्या किया है मेरे इन मासूम बच्चों ने जो आप इतनी बुरी तरह पीट रही हैं? कब से इन दोनों से पूछ रही हूँ कि चॉकलेट के लिए पैसे कितने दिए, कहाँ से आए, बता दे क्यों नहीं? चॉकलेट खाना क्या पाप है? इस घर में तो बिना मुझसे पूछे पानी पीना भी पाप है। ये तो आपका जुल्म है मां जी। बदतमीज़, क्या हो रहा है? क्यों कोहराम मचाओ इस घर में फिर से? मुझसे क्या पूछते हो? अपने रिश्तेदारों से पूछ, अपनी पत्नी से। सीता, ये क्या हो रहा था? कुछ नहीं, आप ऊपर चलिए, मैं खाना लगाती हूँ। उमा, तुम बताओ क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं मालूम भाई, मुझे बीच में मत घसीटो। आखिर यहाँ क्या हो रहा है, कोई तो मुझे बता के मामला क्या है। सीता, तुम ही बताओ कि क्या बात है। कुछ नहीं है, आप ऊपर जाइए ना। सीता, मैं कह रहा हूँ भैया, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मामला क्या है। इन बच्चों को चॉकलेट खाने के लिए पैसे मैंने दिए थे। तो ये बता क्यों नहीं रहे थे? इसलिए कि मैंने इन्हें मना किया था। क्यों? तुम्हारे डर से। मेरे डर से? हाँ माँ, तुम्हारे डर से। मैंने इन मासूम बच्चों से कहा था कि चुप रहे, वरना तुम मुझसे पूछती कि तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से, और फिर तुम्हें जिसने पैसे दिए उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। छोटी सी बात का पतंगड़ बनाकर तुम एक फसाद खड़ा कर देती। एक चुप हजार फसाद मिटा देती है, इसलिए हम सब चुप थे, मगर फिर भी तुम मानी नहीं और हंगामा खड़ा कर ही दिया। मासूम बच्चों पर हाथ उठाया, गंगा भाभी पर हाथ उठाया, बहुत ही शर्म और अफसोस की बात है माँ। माँ, ये घर है या जहन्नम? जब भी थका मांदा आता हूँ तो कोई झगड़ा फसाद ताने तिशने के सवाल कुछ नहीं सुनाई देता। मैं अभी कहता हूँ अपने तरीके बदलो, अपनी जबान पे काबू रखो, वरना एक दिन तुम्हारे शब्दों की चिंगारियों से घर जल कर राख हो जाएगा। सीता, मुझे माफ कर दो। किस बात की माफी? मैंने आज पहली बार तुम पर हाथ उठाया। तो क्या हुआ? कसम से सीता, मैं अब परेशान हो गया। कई बार सोचता हूं हम इस घर से अलग हो जाएं। नहीं, कभी भूल कर भी ऐसा ख्याल दिल में मत लाइएगा, ये पाप है। आप इस घर के बड़े हैं, सब आपके सहारे चल रहा है, हम चले गए तो इस घर का क्या होगा? आखिर कब तक ऐसा चलेगा सीता? मैं आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ऐसा मत कीजिए। सीता, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी मिली। Thank you.
सावन कितने सावन तो है पैदाइशी पेट्रोल, तू क्यों तिलियां जला जला के उस पर फेंक रही है? वो अपने पति के साथ घूमने गई तो तुम दोनों की नाल में क्यों कील चुभ रही है? और इस उम्र में नहीं जाएगी तो क्या हमारी उम्र में जाएगी? तुम चुप रहो जी। अरे मैं तो पैदाइशी चुप हूँ। तुम उसकी वकालत मत करो। कील मेरी नाल में नहीं खोपड़ी में चुभ रही है। वो लड़की अपनी सैंडल की एड़ी से मेरे सर में कील ठोक रही है। खबरदार अगर बीच में बोले तो जरा भी आवाज निकाली तो। हाँ सुनो, रहे नाम भगवान का। हाँ। और मुंह का लाओ शैतान का। क्या वैसे तो बहुत बात हो, क्योंकि मेरे भाभी को सब कुछ पता चल गया है और वो मेरी शादी कहीं ना कहीं करने पर बुरी तरह से तुली हुई है। अरे नहीं आशा, ऐसा मत करना वरना अमर तो मर जाएगा। कैसी बातें करते हो, मैं वहां बात तक नहीं कर सकती। अगर शादी के लिए इनकार करूंगी तो सूली पर नहीं टांग दी जाऊंगी। तुम्हें काम क्यों नहीं करते? अपने घर वालों को बोलकर शादी की बात करने के लिए भेज दो ना। नहीं आशा, मैं अपने घर वालों से बात तो नहीं कर सकता। हाँ मैं तुम्हें अपनी भाभी से मिलवा सकता हूं। भाभी, भाभी, भाभी गजब हो गया। क्या हुआ? वो आशा की भाभी उसकी शादी जबरदस्ती कहीं और करना चाहती है। अच्छा, ये तो गड़बड़ हो गई। तुम्हारे क्या होगा? मेरा कबाड़ा हो जाएगा। कुछ करो भाभी, कुछ करो। मैं क्या करूं? जाकर माजी से बात करो। माजी से बात करूं? ना बाबा ना। भाभी तुम्हें ही कुछ ना कुछ करना होगा। बस एक बार आशा से मिल लो प्लीज। उमा, ये क्या चोरी छुपे देख रही है? मुझसे क्या पूछते हो, तुम ही झांक के देख लो। तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो हमारे प्यार की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर तुम वाकई मुझे चाहती हो, मेरी जिंदगी और मेरे प्यार का तुम्हें जरा भी ख्याल है तो तुम वहां जरूर होगी। मैं वहां आकर क्या करूंगी? वो सब मैं तुम्हें वहीं बताऊंगा, वरना इस घर के तो दरवाजे खिड़की पर्दे सबके कान है, यहां तक के हवाओं के भी कान है। वहीं पर एकांत में बैठ के बात करेंगे। तुम्हारा प्लीज। Thank you.
अमर क्या कह रहा था? पागल है, उठपटांग बकता रहता है। मेरे ख्याल से उसकी उम्र हो गई है, शादी कर देनी चाहिए। वाकई कर देनी चाहिए, पर निकल आए उसके। इससे पहले कि वो बहुत ऊंचा उड़े, शादी की कैंची से उसके पर कतर डालने चाहिए। तो बैठ। आज बहुत डार्लिंग वाले फोन आ रहे हैं, कल तेरा चक्कर तो नहीं? नहीं तो भाभी। हेलो। अरे बाप रे, नमस्कार, हम बिप्ता प्रसाद यादव, देवरियापुर। हेलो, क्या काम है तुम्हें? जी हम टेलीफोन एक्सचेंज में मैकेनिक हो, आपका स्क्रू टाइट करने आया हूँ। क्या? जी हमारा मतलब है कि हमें एक्सचेंज से ऐसी न्यूज मिली है कि आपका जो टेलीफोन है ना, बार बार रॉन्ग नंबर बजा रहा है। बजा रहा है? हाँ हाँ। तो उसी को चेक करने के लिए आया हूँ। जरा अपना पुराना बिल तो दिखाइए। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि टेलीफोन का बिल दिखाइए। अभी ले आती हूँ। जाइए लाइए, बहुत तीखी लगती है, कड़वी भी है। अमृत चेमर पिलाइया, यहाँ बैठी है। अच्छा, अमर हूँ, अमर। कहाँ मिला? भाभी से बात हो गई, चिट्ठी में पढ़ लेना, टाइम और पता लिखा है। आई आई। अरे क्या आप लोग फोन में तकलीफ देती है? कोई टेलीफोन वाले फोन खराब नहीं है, टेंशन देती है, तकलीफ देती है, टाइम खराब करती है, मालूम है? ये रहा बिल। अरे काय का बिल? अपना बिल अपने पास रखिए, हमने अपना काम कर लिया। कर लिया? वो कैसे? वो क्या बात थी मैडम कि आपके टेलीफोन के लाइन के लाइन में जबरदस्ती का वायर घुस के करंट मारा था, हमने उस वायर को बाहर निकाल के फेंक दिया और अपनी भाई फिट कर डाली। कोई समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे ना, आपको समझना भी नहीं चाहिए, इन्हें समझना चाहिए। नहीं ना, प्रणाम। तो क्यों हंस रहे हैं? हेलो। हाँ भाभी, मैं अमर बोल रहा हूँ। हाँ अमर बोलो। भाभी बहुत देर हो गई है, मैं घर नहीं आ सकता, तुम नेशनल पार्क आ जाओ ना। नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकती। मैं कुछ नहीं जानता। देखो मेरी मजबूरी तो सुनो। कोई मजबूरी नहीं, कसम खाकर कहता हूँ, अगर तुम नहीं आई तो मैं अपनी जान दे दूंगा और मेरा खून, मेरे प्यार का खून तुम्हारे सर लगेगा। अच्छा बाबा, अच्छा मैं आ जाऊंगी। वही तो मैं कह रहा हूँ, चुपके से चली आना, और सुनो घर में किसी को शक ना होने पाए। ओके, तुम फोन रख दो, बाय। अरे आप, आज आप इतनी जल्दी? क्यों, मेरा वक्त से पहले आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, कैसी बातें करती हैं आप आए और मुझे अच्छा ना लगे, मगर कभी वक्त से पहले आते थे तो फोन कर दिया करते थे। हाँ, मगर कभी कभी फोन किए बगैर भी आ जाना चाहिए, माहौल का पता चल जाता है। कैसा माहौल? घर छोड़ो माहौल को, अब चूंकि मैं जल्दी आ ही गया हूँ तो सुना शहर में बहुत अच्छी पिक्चर लगी, चलो उसे देखने चलते हैं। नहीं हा? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं अकेला ही चले जाता हूँ। आशा, इतनी बंधन के लहराते हुए कहाँ जा रही है महारानी? यही है ना तेरी लाइब्रेरी? जवाब दे, क्यों सांप सूंघ गया या दम उखड़ गया? आज पता चला कि कॉलेज और लाइब्रेरी के नाम पर तू क्या गुल खिला रही है, बेशरम, बेहया, चुड़ैल, चल चल अंदर, चल जा अपने कमरे में। मैं नहीं जाऊंगी। तू अंदर जाती है कि नहीं? नहीं। क्या जवाब देती है? अब कौन दिखाती है? ओहो, बहुत देर कर दी उसने, मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगी। ऐसी अशुभ बातें मत करो, तुम्हारी हिम्मत के सहारे ही तो मैं अपनी प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ा रहा हूँ, और अगर तुम भी ऐसा दिल तोड़ने वाली बातें करोगी तो मेरी तो खटिया ही खड़ी हो जाएगी ना। अरे पागल, अक्कल है क्या तुझे? तेरे भैया घर आए थे और मुझे सिनेमा ले जाने की जिद कर रहे थे,
उन्हें टाल कर आई हूँ। भाभी, भैया का ख्याल तो रोज ही रखती हो, कभी कभी अपने बेटे का भी ख्याल रखा करो। नहीं ख्याल है, इसलिए तो मैं उनसे बिना बोले चली आई हूँ। अरे मेरी भाभी, कितनी स्वीट हो तुम। अभी 5 बज गए, वो बेचारी जरूर घर में फंस गई होगी, इसीलिए नहीं आ पाई। लेकिन भाभी, भाभी उसे कुछ भी करके आना चाहिए था। अब देखो ना, मैंने तुम्हें बुला लिया और वो गायब। चलो ना, चलो। अरे आप अभी तक यहीं बैठे हैं? तो फिर आपका क्या रहता है, कहीं जाकर लटक जाऊं? कैसी बातें करते हैं, मेरा मतलब है मैंने सोचा था आप शायद फिल्म देखने गए होंगे। फिल्म देखने नहीं, किसी फिल्म की शूटिंग देखने गया था। शूटिंग? किस फिल्म की है? कुछ अपने ही लोग, उनकी शूटिंग देखी। अच्छा, मालूम है मैंने वहां क्या देखा? क्या देखा? रोमांटिक सीन चल रहा था हीरोइन हीरो में। वैसे अगर उस हीरोइन को देखो तो घर में बिल्कुल सीधी सादी, सीता जैसी शरीफ, मगर वहां अपने हीरो के साथ ऐसे गुलछर्रे उड़ा रही थी। कमाल है। वैसे तुम कहां थी? मैं किचन में थी। अच्छा अच्छा, किचन में थी। एक बात बताओ सीता, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्यों, आपको मेरे प्यार पे शक है? नहीं, सुना है समुंदर की गहराई को नापना आसान है, मगर औरत के दिल की गहराई को नापना मुश्किल है। इसलिए जिसने भी कहा गलत कहा, औरत के दिल की गहराई को नापना बहुत आसान है, मगर उसके लिए आंखें चाहिए, और वो आंखें सिर्फ प्यार करने वालों के पास ही होती है। खैर, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आशा, ये सब क्या है, किसकी चिट्ठी है ये? एक बहन, तेरे लिए मैं अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन अगर किसी ने तेरी बहन को गुमराह करने की कोशिश की तो उसकी जान ले लूंगा मैं। क्या है ये सब? नहीं बहन, मैं जानता हूं तू कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। अच्छा तू ही बता, कौन है वो जिसे तू चाहती है, पता? अरे बोल ना। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है। कॉलेज में पढ़ता है, माँ बाप कौन है, खानदान कैसा है? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन उनके पिताजी का नाम सेठ धनराज है। क्या, सेठ धनराज का लड़का और मेरी मेरी बहन की पसंद? अरे मेरे तो भाग ही खुल गए। जीती रहे बहना, जीती रहे, हजार साल जी। नहीं, हजार साल बहुत होते हैं, तू बहुत बुरी लगेगी। अरे बहना, तूने तो ऐसा जीवन साथी चुना है जो तेरा भाई 10 जन्म लेकर भी तेरे लिए नहीं ढूंढ सकता था। अजी सुनते हो? लो, आ गई आफत की पुड़िया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तेरी ये हिम्मत, किससे पूछकर तूने प्यार किया? तुझे पता नहीं हमारे खानदान में प्यार करना पाप है? मेरी शादी को इतने साल हो गए, फिर भी आज तक मैंने अपनी पत्नी से प्यार नहीं किया, फिर तू प्यार कैसे कर सकती है, समझी? अरे बोलना कुछ, मुझे माफ कर दो भैया, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। माफ? अरे मैं तेरी तबीयत साफ कर दूंगा, लेकिन तुझे माफ नहीं करूंगा। तूने मेरी नाक कटवा दी, अपनी भाभी का मुंह हमेशा के लिए काला करवा दिया, अब वो अपना काला भयानक मुंह लेकर बाहर कैसे जाएगी? खबरदार, जो आज के बाद इस कमरे के बाहर कदम रखा तो तेरी टांगे कटवा के खटिया में फिट करवा दूंगा मैं। अरे अपने आप को समझती क्या है, हिला के रख दिया मैंने उसे, उसकी ये हिम्मत। हिम्मत हिम्मत गई भाड़ में, अब इसका फौरन ठिकाना कर देना चाहिए। हाँ, मैं आज ही जाकर किसी लड़के से उसकी बात फाइनल कर देता हूँ। तुम फाइनल वाइनल कुछ मत करो, तुम सिर्फ एक काम करो, जमुना दास जमके को ले आओ। जमुना दास जमके? हाँ। माँ, माँ, वो दोनों खुसुर फुसुर कर रही है, जरूर तेरे खिलाफ कोई चाल चल रही होंगी। अच्छा? हाँ। चल चल कर देखते हैं। जो भी काम होगा अब सब मैं कर लूंगी। हाँ, तुम बस भगवान का ध्यान किया करो और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा करो। क्या खुसर फुसर चल रही है, क्या मेरे खिलाफ जहर उगला जा रहा है? नहीं माँ जी, मैं तो सीता को थोड़ी नसीहत दे रही थी। माँ को नसीहत करना नहीं आता क्या? मैं कोई गलत बात नहीं कर रही थी, सीता के पैर भारी हैं। देखा माँ, छोटी भाभी ने यह बात पहले तुम्हें नहीं बताई,
कितना गैर समझती है तुम्हें। क्यों री, ये बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई? अरे ऐसी बात अपनी सास माँ से थोड़ी छुपा कर रखते हैं। अरे उसे तो सबसे ज्यादा खुशी होती है। अरे राम, अरे अमर। अरे तुम्हारा गला है किसी मिल का भूंगा है, कभी थकता ही नहीं चिल्लाने से। कितना चिल्ला रहे हो, सारी दीवारें हिलने लग गई हैं। क्यों चिल्ला रही हो? क्यों ना चिल्लाऊं? सीता के पांव भारी हैं। मैं दादी माँ बनने वाली हूँ। दादी माँ? सच? मतलब ये बुढ़ा दादा बनने वाला है? देखा, ये है मेरी प्रार्थना का असर। बड़े आए प्रार्थना वाले, जा मंदिर में जाओ। ठीक है, रहे नाम भगवान का। बस आगे मत बोलना पिताजी। मैं क्यों बोलूं, सारी दुनिया बोलती है। रात चल रहा है शैतान का। अरे अमर! आया माँ, आया माँ, आया माँ। मेरा मतलब है, क्या बात है माँ? अरे अमर, बाजार से जाकर 10 किलो बादाम और 10 किलो सूखे मेवे ले आ। किस खुशी में? अरे तेरे लाडली भाभी बाप बनने वाले हैं। माँ, अरे मुबारक हो, मुबारक हो भाभी। भाभी दोनों में से एक उंगली पकड़। अरे पकड़ लो ना, अरे पकड़ो ना। लड़का होगा, लड़का होगा और बिल्कुल मेरी तरह होगा। जाकर जल्दी से ले आ। लड़का नंबर 5, 5 फुट 10 इंच ऊंचाई और देखने में अच्छा, रंग गोरा और सुखी परिवार और घर में माँ बाप भाई बहन सबके स्वभाव एकदम नरम। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। नहीं चलेगा, आगे बढ़ो। कोई बात नहीं, दूसरा देखिए। लड़का नंबर 6, ऊंचा कद रंग गोरा, देखने में बाका सजीला, सुखी परिवार, लेकिन ये घर आपको नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्या बुराई क्या है? लड़का तो शराफत का फूल है, लेकिन उसकी माँ नफरत का कांटा है। वो बोलती का मैं काटती ज्यादा है। उसके मुंह से शहद नहीं, हमेशा चिंगारियाँ निकलती है। आज तक जो भी लड़की उस घर में बहू बनकर गई, वो अपनी सास की मेहरबानी से कुछ ही दिनों में भगवान को प्यारी हो गई। इसलिए तो कहता हूँ कि ये घराना आपकी बच्ची के लायक नहीं है। क्यों नहीं है? माँ से क्या लेना देना, लड़का तो अच्छा है ना, चलेगा। अरे क्या जुल्म करती है आप भी। नहीं नहीं, आप जानबूझकर अपनी ननंद को क्यों मौत के मुंह में ढकेल रही है? आप ऐसा नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती? मैं ऐसा ही करूंगी, मैं अपनी ननंद को उसी घर में दुल्हन बनाकर भेजूंगी। लेकिन मैं ये पाप नहीं कर सकता। आपको पाप से क्या लेना देना, आपको पैसे से प्यार है या पाप से इनकार? अजी लानत भेजो पाप पर, पैसा सबसे बड़ा भगवान है। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। अरे भाई हो गया या अभी तक लड़के का चुनाव ही चल रहा है? हाँ जी हो गया। पूछो ना जन्नत जी से, क्या लड़का और क्या खानदान चुना है मैंने अपनी ननन के लिए। अच्छा? हाँ, अभी तो कहिए ना। जी घनश्यामलाल जी, श्यामलाल जी। हाँ श्यामलाल जी, क्या लड़का है, क्या घराना है, क्या खानदान है, क्या उसकी माँ है। आपकी बहन की सास तो इस दुनिया की हर बहू की आस है। क्या स्वर्ग जैसा घराना है। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। सुनो जरा गर्मा गर्म मेरी तरह। थैंक यू। मामला जमा दिया ना जमुनादास जमके जी। अरे ऐसी बुराई की धनराज खानदान की कि आपकी पत्नी की मारे खुशी के बाछे खिल गई। मतलब मैंने जो कुछ कहा था ठीक उसी अंदाज से कहा ना? बिल्कुल उसी तरह से। तभी तो आपकी पत्नी ने लपक के पकड़ लिया उस खानदान को। अरे वाह भाई वाह, इसका मतलब मेरा काम हो गया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है और आपका भी। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। उधारिए आइए बैठिए। ये लो, आराम से बैठिए। ये खिदमत की जाए आपकी। चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे? लस्सी। कुछ भी नहीं, घर में कोई बुजुर्ग नहीं है क्या? क्यों, हम नहीं है क्या? आप लोग तो हैं, लेकिन आप लोग तो बच्चे हैं अभी। क्या बात कर रहे हैं, आप जानते नहीं, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द नेशन। यू सी आई वॉन्ट टू टॉक टू समबडी ओल्डर विथ योर परमिशन। ओके ओके, वी ग्रांट योर परमिशन। थैंक यू। लो अमर चाचा आ गए। जी आप? दरअसल मैं तुम्ही को देखने आया हूँ। मुझे खैरियत तो है? खैरियत की बात तो मैं तुम्हारे पिताजी के साथ ही करूंगा। समझ गया, ये जरूर किसी लड़की का बाप या बड़ा भाई है जो मेरे लिए शादी का रिश्ता लेके आया है। इसे भगा दे अमर बेटा, वरना तेरी मोहब्बत का टायर पंक्चर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, पिताजी से मिलने आए हैं आप? पिताजी तो साहब मंदिर गए, 4-5 घंटे में लौटेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो 2-4 दिन तक इंतजार कर सकता हूँ। कोई बात नहीं।
सिगरेट पियेंगे? जी नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। अजी साहब पीता तो मैं भी नहीं था, मगर क्या करूं, इस कंबक चरस और गांजे से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे सिगरेट का सहारा लेना ही पड़ा। आई मीन फॉर माई बेटरमेंट। यू मीन आप चरस और गांजा भी पीते थे? पीता था हा? अरे साहब लोग मुझे गांजे की चिमनी कहते थे, चिमनी। सारा शहर मेरे छोड़े हुए धुएं से मदहोश रहता था। चला चिपकू। और चरस भी मैंने शराब से पीछा छुड़ाने के लिए शुरू की दिया। आई मीन अगेन फॉर माई बेटरमेंट। यानी आप शराब भी पीते थे? पीता था हा? अरे कोई ऐसा वैसा पीता था? अजी लोग बोतलों में पीते हैं, मैं बाल्टियां भर भर के पीता था। लेकिन साहब शराब भी मैंने कोठे और मुजरों से पीछा छुड़ाने के लिए शुरू की थी। आई मीन फॉर योर बेटरमेंट। आई स्वेर यू आर सो इंटेलिजेंट। आई स्वेर भागना। अच्छा तो आप कोठे पे भी जा चुके हैं? जाते थे हाँ? अजी साहब जाते तो वो जो लौट के आते, हम तो 20-20, 25-25 दिन महीना भर वहीं पड़े रहते थे। सूटकेस भर भर के नोट ले जाते थे और जब पैसे खत्म हो जाते थे लौट आते थे। तो इतने सारे पैसे तुम लाते कहां से थे? चोरी करता था ना। ओ, तो आप चोरी भी करते थे? वाह। लेकिन अब तो वो भी नहीं कर सकता। क्यों? अच्छा अब आप शरीफ हो गए इसलिए? अरे ऐसी की तैसी शराबत किया। चल, चल। हम लोगों का दीवाना निकल गया ना। धंधा किया उसमें घाटा, आधा इनकम टैक्स ले गया। क्या बताऊं साहब, पानी पीने के लिए एक ग्लास भी नहीं बचा है घर में। कमाल है। लेकिन ये सब सारा, ये जो फर्नीचर वगैरह है वो? ये क्या, ये सब भीख मांगा हुआ है? बाकी सब गिरवी पड़ा है। अब आप ही बताइए साहब, ऐसे घटिया घर में और होपलेस घराने में आप अपनी लड़की देना पसंद करेंगे? आई एम सेइंग ऑल दिस फॉर योर बेटरमेंट। यू सी श्यामलाल जी, आप श्यामलाल जी, आप पपिता जी, आप तो मंदिर गए थे ना? कौन? मैं तो 3 दिन से बाहर ही नहीं गया, अपने कमरे बैठा हुआ गीता पढ़ रहा हूँ। अरे आप बैठिए ना। जी हाँ, फरमाइए कैसे आना हुआ? जी मैं अपनी छोटी बहन की शादी के सिलसिले में आपसे कुछ बातें करने आया था। अरे तो फिर नए नाम भगवान का तू खड़ा खड़ा क्या मुंह देख रहा है? क्या तेरी माँ को बुला? गला मर गया। क्या कहा? रहे नाम भगवान का। नहीं नहीं, इसने कुछ और कहा था ना। लाखों का नुकसान, पर मेरे पास लाखों है कहाँ? मैं हूँ ना माँ, मैं तो तेरा बेरर चेक हूँ, है ना? अब जो भी लड़की तू मेरे लिए पसंद करेगी उसे कुछ तो लेगी। पूरे 7.5 लूंगी। 7.5? और तेरे ये 7.5 लाख के बेरर चेक को एक फोकट या फोकट में ले जाना चाहता है। कौन है वो? वो है एक कड़का, अपनी भिखारन बहन को मेरी बीवी बनाकर तुम्हारी बहू बनाना चाहता है। मेरी बहू बनाना चाहता है? अरे खून की नदी ना बहा दूं। सर मुझसे पूछे बगैर मेरे बेटे का रिश्ता कैसे कर सकता है? कैसे कर सकता है? अरे मैं भी तो वही कह रहा हूँ माँ, मैं तो कहता हूँ कि मार मार के गली के नुक्कड़ पे छोड़ाइयो। मुझसे पूछे बगैर शादी की बात इस घर में कोई कैसे कर सकता है? आहिस्ते 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 क्यों चिल्ला रही हो? पहले मुलाकात कर लो, परिचय कर लो। आप श्यामलाल जी हैं, शहर के बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं? हाँ बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, लाखों का कारोबार है। अपनी छोटी बहन के लिए हमारे अमर का रिश्ता मांगने आए हैं। अच्छा अच्छा, पर मैंने तो कुछ और सुना था। अरे अरे बहू, ये क्या कर रही है? घर की मालकिन होते हुए पानी का घड़ा ले जा रही है? जो बेटी जा। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? का इसका मतलब है शुभ शगुन है। अच्छा। जब हमारी सगाई हुई थी ना तो ऐसे ही कोई दो बाछी का था। अच्छा। काश मैंने वो छींक सुनी ना होती। क्या कहा? नहीं मेरा मतलब है जब भी अपना परिवार इतना सुखी है, हंसता खेलता है और तुम इतनी नरम मिजाज हो, है ना श्यामलाल जी? हाँ बिल्कुल, आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। बहुत। श्यामलाल जी ये मेरा बड़ा बेटा राम है। जी नमस्ते। नमस्ते जी। राम, इनकी बहन के साथ अमर की शादी पक्की कर दी है। अमर की? हाँ जी। अब मैं इजाजत चाहूंगा, शादी का शुभ मुहूर्त निकाल के आपको फौरन इत्तला कर दूंगा मैं। ऐसे कैसे जा सकते हैं? आप खाना खाकर जाइए ना। तकल्लुफ की क्या बात है? नहीं पहले दिन तो तकल्लुफ जरूरी होता है। उसके बाद तकलीफ शुरू होती है। माया मेरी मानो तो इस शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। आशा को उस घर में देना हमारे बस की बात नहीं है, उन लोग जहेज बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। तो क्या हुआ, जितना मांग रहे उतना दे दो, लेकिन इस बला को सर से टाल दो। देखो जी मैं फिर कहती हूँ, आशा की शादी होगी तो उसी लड़के से होगी। मैंने तुमसे कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। और मैं भी कहती हूँ ये शादी करवा के रहूंगी, करवा के रहूंगी, करवा के रहूंगी। ठीक है तो कर लो जिद, मैं भी अगर ये घर छोड़कर नहीं चला गया तो मेरा नाम भी अमर नहीं। तो तुम घर छोड़ने की मुझे धमकी दे रहे हो?
अजी सुनते हो क्या? तुम्हारे मुंह में जबान नहीं? अरे हिला तो सही, कुछ बोला तो सही, तुम क्या बोलोगे? मैं ये जबरदस्ती की शादी बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे खानदान की नाक कटे या माँ को बुरा लगे, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अमर, ये क्या बदतमीजी है? अपने मतलब के लिए बड़ों का अदब लिहाज सब कुछ भूल गए और माँ को इस तरह झिड़क कर जवाब दिया जाता है? लेकिन भाभी तुम भी तो देखोगे माँ कैसी। देखना वेखना नहीं है, पहले तुम जाकर माफी मांगो माँ से। अमर, मैंने क्या कहा सुना नहीं? जाओ माफी मांगो। ठीक है, तुम कहती हो तो मांग लेता हूँ। माफ कर दे माँ। अभी तुम्हारे कहने पे मैंने माफी तो मांग ली, शादी नहीं करूंगा। देखिए, आप बुजुर्गों के बीच बोलना या अपनी राय देना है तो बदतमीजी, लेकिन जब घर में आग लग रही हो तो बुझाना सबका फर्ज बन जाता है। मेरी राय थी जब वो उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता तो जबरदस्ती क्यों की जा रही है? अगर जबरदस्ती ना की जाए तो बेहतर रहेगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती माँ, कि इस शादी के लिए तुम राजी हो, पिताजी राजी है, यहाँ तक कि भैया भी राजी हैं, मगर भाभी राजी नहीं। हाँ भाई, अपने अपने दिल की बात होती है ना, हो सकता है कि भाभी के दिल में कुछ और बात हो। जब कोई तुम्हारा साथ ही नहीं दे रहा है तो तुम मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? हाँ। क्या तुम मुझे भूल सकती हो? हाँ, मैंने तो तुम्हें भुलाने की प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। क्या बकवास कर रही हो? हाँ अमर, मैं अपने खानदान की इज्जत के लिए अपना प्यार नारियल की तरह तोड़ सकती हूँ। मेरे भैया ने मेरी शादी एक बहुत नालायक लड़के के साथ तय कर दी है, जो सिगरेट के कश ले लेकर उनके मुंह पर फूंक रहा था। सिगरेट का कश? हाँ, उसने चरस छोड़ने के लिए सिगरेट शुरू की थी और चरस से पहले वो बाल्टी भर भर के शराब पीता था। ये कहानी तो सुनी हुई लगती है। जरूर सुनी होगी, वो तो कोठे पर भी जाता था, परसों मुजरे में गुजार दिए, उनकी कंपनी का दिवाला निकल गया और इनकम टैक्स रेड मार कर सब कुछ ले गई। ए आशा की बच्ची, ये कहानी तुमने कहाँ से सुनी? मेरे भैया ने सुनाई। तुम्हारे भाई का नाम क्या है? श्यामलाल। अरे वो जाड़िया तेरा भाई है, मर गया। अरे सुनो तो। अरे मेरे रुकने से मेरी माँ रुकने वाली नहीं है, कई लोगों ने मेरी शादी कैंसिल कर डाली तो मेरी तो खटिया ही खड़ी हो जाएगी। ए माँ, ए भाभी, ए रुक जाओ। ए माँ मुझे माफ कर दे। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। पहले ये तो बता, इतना मस्का क्यों लगा रहा है? मुझे शर्म आ रही माँ। बड़ा आया शर्म वाला, कल शादी के लिए इतनी लंबी जबान लेकर मुझसे लड़ रहा था, तब शर्म नहीं आ रही थी? आई ना माँ, तभी तो रात भर सोया नहीं मैं। कितनी गाली दी मैंने अपने आपको मालूम है? मैंने कहा कि अबे नालायक अमर, अरे जिस माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग होता है तू उस माँ से जबान लड़ाता? बस सारी रात जमीन पर नाक रगड़ता रहा, देखो ना मेरी नाक भी छिल गई है। माँ, ए माँ, मुझे तेरा फैसला मंजूर है। कौन सा फैसला? अब वही शादी वाला। मेरा लाडला, मेरा मुन्ना, मेरा बेटा। अरे बेटी सुनती हो? अमर, अरे उमा, सुना तूने? हाँ माँ, पर एक बात समझ में नहीं आई, एक रात में अमर पे किसी ने जादू कर दिया जो अचानक शादी के लिए राजी हो गया। भाई मुझे तो इसमें कोई गहरी चाल लगती है। हाँ, अरे चाल गई भाड़ में, मेरी बात मानकर अमर शादी कर रहा है, मेरा मतलब निकल गया, बाकी का हमें क्या लेना देना है। ये क्या अमर, कल तक तो बिल्कुल आग बना हुआ था, आज बर्फ बन गया? अरे भाभी, जब असलियत का पता चलेगा तो तुम भी चौंक जाओगी। ये जो श्यामलाल जी आए थे ना, वही तो आशा के बड़े भाई है। क्या? हाँ, फिर मैंने खामखा उनको झूठ बोलकर अपनी कंपनी को दिवालिया बताकर उनकी खटिया खड़ी कर डाली। चलो अच्छा हुआ, अपने को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, अपना चक्कर भी चल गया और घर वालों का दिल भी रह गया।
ये तो वाकई बहुत अच्छा हुआ। और हाँ, घर के बड़ों को एक बहू मिल गई और तुम्हें एक दासी, और ये गुलाम तो तुम्हारी खिदमत में पहले ही हाजिर है, अब तो तुम्हारी चांदी ही चांदी है। मैं तुम्हें नीचे ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ अकेले बैठी हो। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। चलो ना भाभी, नीचे कितना मजा आ रहा है। अमर मेरी बात सुनो, सचमुच मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें गोद में उठा के ले जाना पड़ेगा। एक मिनट, वाह क्या पोज है। रेडी, वन टू टू। तेरे की मैं इसमें फिल्म डालना ही भूल गया। एक मिनट, मैं अभी रोल भर के आता हूँ। देखो मैं, मुझे तंग मत करो। तंग मत करो? अरे तंग करने के तो अभी असली दिन आए, और सबसे ज्यादा तो वो तंग करेगा जो आने वाला है। Thank you.
अरे राम बाबू आप? बहू तुमसे भी कुछ नहीं कहा उसने? नहीं पिताजी। ताज्जुब है? इसमें ताज्जुब की क्या बात है पिताजी, भैया और भाभी में कुछ खिटपिट हो गई होगी। और ये महारानी, दुनिया आती है इनकी बला से और जाती है इनकी जूती से, इन्हें क्या बस पड़ी रहती है आराम से। तू अपनी बकवास बंद कर। मालिक मालिक, राम बाबू कल रात जब बाहर जा रहे थे तो मुझसे कह गए थे कि मैं कंपनी के काम से बाहर जा रहा हूँ। अरे तो कम्बक तूने पहले क्यों नहीं बताया? वो क्या है मालिक, घर में बहुत काम था ना, भूल गया मालिक। अरे जा। कंपनी के काम से? ऐसा कौन सा काम निकला है? गुड मॉर्निंग। ये कौन सी जगह है? ये मेरा घर है। मैं यहाँ कैसे आया? मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ। एक होटल के बाहर शराब के नशे में धुत पड़े हुए थे, शायद लोगों ने बाहर उठाकर फेंक दिया। ये तो अच्छा हुआ कि वहां से मैं गुजर रही थी और तुम्हें यहाँ ले आई। लगता है तुमने जिंदगी में पहली बार शराब पी है, जो अब तक तुम्हारा सर दुख रहा है। एक काम करो, चाय पी लो, जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ाती हूँ। घर? मैं अब उस घर में वापस जाना नहीं चाहता। कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा नशा उतरा नहीं अब तक। नशा तो सारी जिंदगी था मुझे, झूठी खुशियों का नशा जो आज उतरा है। वो घर तो मक्कारी और बेईमानी का एक स्टेज है, जहां लोग अपने चेहरे पे धोखेबाजी का मेकअप करके शराफत की अदाकारी करते हुए फरेब देते हैं। मैं ना तो उस घर में कभी जाना चाहता हूं और ना ही किसी की सूरत देखना चाहता हूं। लेकिन ऐसे कैसे जिंदगी गुजरेगी? जिंदगी की अब परवाह भी किसको है, मेरे लिए तो बस अब एक ही रास्ता बचा है और वो है मौत। ये क्या बेहुदा बात हुई, बिला वजह जान दे दोगे? हाँ तो क्या हुआ, मेरी मौत से किसी को क्या फर्क पड़ने वाला? लगता है कोई गहरा सदमा पहुंचा है इन्हें। इस वक्त अगर मैंने सहारा ना दिया तो ये कुछ भी कर बैठेंगे। ये तुमने कैसे सोच लिया कि किसी को फर्क नहीं पड़ेगा? बहुतों को पड़ेगा, मुझे पड़ेगा। एक कश्ती अगर टूट जाती है तो आदमी हार के अपने आप को मौजों के हवाले नहीं करता, बल्कि कोशिश करके खुद तिनके के सहारे किनारे पहुंच जाता है। लेकिन अब मेरा कौन सहारा है? मैं हूं तुम्हारा सहारा। मुझे खुशी होगी तुम्हारी खुशियों को देखकर। तुम जब तक चाहो मेरे मेहमान बनकर यहां रह सकते हो, लेकिन कसम खाओ कि भूलकर भी खुदकुशी की बात अपनी जुबान पर कभी नहीं लाओगे। दीपा बेटी। हाँ माँ। हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आए हैं, उन्हें बैठाओ, मैं अभी आती हूँ। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आती हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी। डॉक्टर दीपा, आपके कहने के अनुसार शो की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये रही शो की बाकी टिकटें। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, अब हम लोग चलते हैं। दीपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आप चलता हूँ। ऐसे नहीं, जाने से पहले तुम्हें एक टिकट खरीदना होगा। इस बात की टिकट? जिस हॉस्पिटल में मैं काम करती हूँ वहाँ अंधे बच्चों के लिए एक वार्ड बनाना है, उसी के लिए डॉक्टर्स ने मेरे डांस का एक चैरिटी शो रखा है, उसी की टिकट बेचनी। तो फिर ये सारी टिकटें मुझे दे दो। सारी? बेच दूंगा। आज घर जरा जल्दी आ जाना। क्यों? क्योंकि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। अच्छा। हर सुहागन रात को चांद देखने के बाद अपने पति की आरती उतारती है और तभी कुछ खा सकती है, और अगर तुम देर से आए मैं तो भूखी रह जाऊंगी। ओह, फिर तो मुसीबत हो जाएगी। एक काम करते हैं। क्या? मैं काम पे जाता ही नहीं हूँ, तुम दिन भर मुझे गोद में बिठा कर रखना, शाम को मेरी पूजा करना, रात को खाने में मुझे खा जाना। कहीं के कहीं के क्या मतलब, मैं तो यही कहूँ। चलो जाओ यहाँ से। आओ ना, क्या हो गया तुम्हें? ले खा, खाना देख, नखरे मत कर, आज करवा चौथ है, मंदिर जाना है, देर हो रही है। खा। ठीक है।
लगता है हाँ साथ चलना है क्या? चलो अरे भगवान, अगर भूख बर्दाश्त नहीं होती तो किसने कहा था कि करवा चौथ का व्रत रखो? तुम चुप रहो जी, यह भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, एक चांद भी तो नहीं निकलता। रे नाम भगवान का, और व्रत रखना काम नहीं है मामूली इंसान का। मुझे चक्कर आ रहा है बेटी। शर्म तो आती नहीं, चक्कर आ रहे हैं। क्या कहा? नहीं, मैं ये कह रहा था कि मान लो आज चांद नहीं निकला तो फिर कल शाम तक भूखा रहना पड़ेगा ना। ऐसी गंदी बात मुंह से क्यों निकालते हो? मेरे मुंह से निकालने से क्या चांद थोड़ी निकल आएगा, वो तो जब निकलना निकलता रहेगा। अच्छा बोलो। आ बेटा चांद देखते। चल माँ, चल चांद ढूंढो। ढूंढो, मिलेगा नहीं। आज के दिन सुहागन व्रत रखती है कि अन्न से भले ही पेट खाली रहे मगर सिंदूर से मांग कभी खाली न रहे, पति के साए में जिंदा रहे और उसी के गोद में मुस्कुराते हुए इस संसार से चली जाए। आज आज तेरी इस बेटी के सुहाग का रखवाला नहीं आया मां। अगर मेरी तपस्या सच्ची है तो आज तुम मेरे पति के दर्शन करा के रहेगी, वरना मैं यही तेरे चौकट पर सर पटक पटक के जान दे दूंगी, क्योंकि ये मेरे पतिव्रता धर्म का अपमान होगा, तेरी इस बेटे की आन का अपमान होगा, मतलब तेरा अपमान होगा। मुझे विश्वास था कि दुर्गा माँ मेरी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेंगी और आप मुझे जरूर मिलेंगे। ये लीजिए प्रसाद, इसमें थोड़ा जहर भी मिला दो, बेहतर रहेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? चलिए घर चलें। घर? कैसा घर? मेरा कोई घर नहीं है, और जिसे तुम घर कहती हो वो घर नहीं, नरक है। ये क्या हो गया आपको? अपने ही घर को नरक कह रहे हैं, जहां हर कोई आपसे प्यार करता है। पता है पिताजी कितने परेशान हैं, और मैंने तो एक पल के लिए भी निगाह नहीं हटाई, भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु तेरे भगवान को वापस ले आना। ये ढोंग बहुत पुराने हो गए, अब मिट्टी पे सोने का पानी जो तुमने चढ़ा रखा था वो अब उतर चुका है। से नहीं चलिए, हटो यहां से।
भगवान पहलवान, चांद देख लिया या ऊपर के मकान का बल्ब देख लिया है? कैसी बातें करते हो, मैंने अपनी आँखों से देखा है। तुम्हारी आँखों का कोई भरोसा है? पिछले साल पहाड़ी से आती हुई मोटरसाइकिल की हेडलाइट देख ली थी तो चांद समझ के बड़ा तोड़ दिया था। चुप रहो जी। अरे गंगा, जल्दी से पूजा का सामान ले आ। ना भाई। और भाभी जल्दी से खाना लगा दो। ए, तीन बार घुमाते, एक ही बार में काम चला रही हो? अच्छा बाबा, एक दो तीन। आई बात है, बड़ी भूख लगी। ये तो ऐसा लगता है पूजा करके भगवान पहचान कर रहे हैं लोग। ये क्या कर रही तू? तूने अभी तक मेरी आरती नहीं उतारी और खाने बैठ गई? मैंने तुम्हारे फोटो की आरती उतार ली तभी आई हूँ खाना खाने। ये मेरा अपमान है और इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज मैं तुझे जबरदस्ती खींच के ले जाऊंगा और ऐसा मजा चखाऊंगा कि अगले करवा चौथ तक तेरे हाथ फड़फड़ाते सूखे पत्ते की तरह हिलते रहेंगे। देखो देखो, एक तो वो मेरी आरती नहीं उतार दी और आप मेरी इज्जत उतार रही है। अरे इज्जत के बच्चे भागे। देखो, अगर आज ये मेरे साथ नहीं आई तो मैं क्या करेगा? दूसरी शादी कर लूंगा। दूसरी शादी? अरे अरे, क्या जुल्म करती हो भगवान, क्या करती हो? तुम्हारा दामाद है, आज करवा चौथ है, कम से कम आज के दिन तो उसको मान दो, बिठा के एक निवाला खाना तो खिलाओ। तुम चुप रहो जी, मेरा सिर फिरा हुआ है। किसको कितनी इज्जत देनी चाहिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं तुमसे इज्जत का पाठ नहीं सीखना चाहती। भाभी भाभी, चलो भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, शो देखने जाना है। क्यों आशा है? हाँ। नहीं अमर, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम लोग जाओ। अरे लोग कमाल करती है, अरे इतने प्यार से मैं तीन टिकटें लाया हूँ और तुम कह रही है कि हम दोनों चले जाए? बिल्कुल नहीं, जाएंगे तो तीनों जाएंगे वरना कोई नहीं जाएगा। क्यों आशा है? हाँ दीदी, चलो ना, बहुत देर हो रही है। देखिए भाभी, आप चलती है कि नहीं वरना हम दोनों आपको उठाकर हॉल तक ले जाएंगे। क्यों आशा? आज मुझे मत सताओ, भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। अरे अब भाभी, अब आपके भगवान यहाँ है ही नहीं तो हम लोग क्या करें? वरना हम दोनों आप दोनों को अकेला छोड़ देते। भाभी तुम्हें तुम्हारे भगवान की कसम, जिसकी तुम सुबह से लेकर शाम तक पूजा करती हो, अब तुम इनकार कर ही नहीं सकती। मेरी अच्छी भाभी, मेरी प्यारी भाभी, निराशा, अब मेरा मतलब कि आशा, तुम सुधरोगे नहीं ना? भाभी को तैयार करो। अच्छा तो ये रहे पूरे 50,000 रुपए, तुम्हारे शो के बचे हुए टिकट्स बिक गए। मुझे पता है तुमने अपने जान पहचान वालों को टिकट्स मुफ्त में बांट दिए और ये रुपए अपनी जेब से दे रहे हो, ऐसा क्यों किया तुमने? दिल की खुशी के लिए। अब क्या कहूं, मेरे पास तुम्हारी इन बातों का जवाब ही नहीं है।
अमर और आशा के साथ पिक्चर गई थी। अगर तुझे कुछ हो जाता तो बिरादरी में तो मुंह मेरा काला होता ना। लोग कहते सास ने बहू का ध्यान ही नहीं रखा। और ये चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं? माँ जी, सीता दीदी को हम दोनों जबरदस्ती ले गए थे, ये अपनी मर्जी से नहीं चली थी। इस घर में मेरी मर्जी चलती है, तू इसे जबरदस्ती ले जाने वाली कौन होती है? अरे इसमें ऐसा कौन सा गुनाह हो गया जो आप इतना डांट फटकर कर रही हैं? देखा माँ, कल आई है और आज तुझसे जबान लड़ाना शुरू कर दी। क्यों, इस घर में सच बोलने को जबान लड़ाना कहते हैं? चुप! अभी अंडे से बाहर निकली नहीं और चोंच मारना शुरू कर दिया। चल माँ जी, किस बात की माफी, कसूर क्या है मेरा? हाँ अभी भी बोले जा रही है तेरी ये मजाल, अभी मजा चखाती हूँ। आशा माँ जी, दोबारा मुझ पर छड़ी बड़ी मत उठाना। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मुफ्त में गालियाँ और छड़ियों की मार खाऊं। वह नाम भगवान का, तुम चुप रहो। आज तूने मेरी छड़ी तोड़ी है और मैं तुझे आज ही इस घर से निकालती हूँ। निकल, निकल इस घर से। माँ, इस घर से कोई नहीं जाएगा, इस पर हमारा भी हक है। तू जोरू का गुलाम, बीवी के तलवे चाटने वाला, मुझे धमकी देता है? धमकी नहीं दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि अब भी वक्त है, सुधर जाओ। सारा घर बर्बादी के किनारे पर आ पहुँचा है, फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही है। मैं तो कहता हूँ कि सारे फसाद की जड़ ये है। अमर, अमर, ये क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? मैं मना करती जा रही हूँ, कोई सुनता नहीं। तुम दोनों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि माँ को जवाब दे रहे हो, उन्हें आंखें दिखा रहे हो, उनसे झगड़ा कर रहे हो। चलो
माफी मांगो उनसे। मगर भाभी हमारी गलती क्या? मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, माफी मांगो। ठीक है, तुम कह रही हो तो माँ हमें माफ कर दो। माफी नहीं, टॉफी नहीं। अमर, मैं इस घर को बचाने की दिन रात कोशिश कर रही हूँ, तुम मेरी कोशिशों को नाकाम क्यों करते रहते हो? मेरी मेहनत पर पानी क्यों फेरते रहते हो अमर? भाभी तुम्हारी मेहनत से घर नहीं बचने वाला, अब यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका। जिन्होंने कोशिश करके लगाम हाथ में पकड़नी चाहिए वो तो 24 घंटा रहे नाम भगवान का, रहे नाम भगवान का लेते रहते। अगर पहले ही शक्ति बरतते और इन लोगों को इतनी छूट नहीं देते तो ये घर भी इंसानों के रहने लायक हो जाता। कैसे लगे हैं फूल? ये सब क्या है राम? तुमने इस अंधेरे दिल में जो दिया जलाया है उसके बदले में जिंदगी भर तुम्हारी राहों में फूल बिखेरता रहूं तो भी कम है। लेकिन ये सब किस लिए? जन्मदिन मुबारक हो दीपा। तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? अरे तुमने हमें नया जन्म दिया है तो हम क्या तुम्हारा जन्मदिन भूल जाएंगे? हमने कहीं से पता लगा ही लिया। हैप्पी बर्थडे। इतनी सी बात के लिए इतनी कीमती अंगूठी? दीपा, तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती बल्कि तोहफा देने वाले की नीयत देखी जाती है। लो। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा। और हाँ, तुम शाम को तैयार रहना। क्यों? पार्टी हमारी तरफ से। बेटी, राम की ये हरकतें मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, संभल के रहना बेटे। तुम चिंता मत करो माँ, दरअसल राम के दिल में गहरी चोट लगी है, अगर मैं इसे सहारा न देती तो शायद ये खुदकुशी कर लेता या शराब पी पी कर अपनी जान दे देता। थोड़ा सा वक्त लगेगा माँ, लेकिन ये मेरे ही इलाज से ठीक होगा। नमस्ते धनराज जी। अरे आइए जमुना दास जी, आइए। सत्यनारायण देव की जय। कैसे आना हुआ? उमा बेटी के लिए लिफाफा लाया हूँ जो उसके पति ने उसके लिए भेजा है। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। हो गया है? उमा बेटी। क्या बात है पिताजी? तुम्हारा लिफाफा आया हुआ है। लिफाफा? क्या वो? अरे रो क्यों रही है? लल्लू दूसरी शादी कर रहा है पिताजी। अरे नाम बत... ये दूसरी शादी का रिश्ता जरूर आपने लगाया होगा। नहीं, ये प्रेम विवाह है, यानी कि लव मैरिज। हाँ, मैं मदद जरूर कर रहा हूँ, क्योंकि शादी का पौधा एक जगह पर न जमे तो वहाँ से उखाड़ कर दूसरी जगह पर जमाना, ये तो मेरा काम है, नहीं तो मेरे को कमीशन कौन देगा? बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। सत्यनारायण, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अरे क्या बात है, रो क्यों रही है? ये क्या है? शादी का कार्ड। किसका? लल्लू दूसरी शादी कर रहा है। लल्लू दूसरी शादी कर रहा है मेरी बेटी की जिंदगी खराब करके? अरे मैं तो उसका मतलब जला दूंगी, उसके मुंह पर तेजाब डालूंगी। क्या समझ रखा? चल, आप चलते हो या नहीं? मैं रहे नाम भगवान का। चल जल्दी। हाँ, वो रहे नाम भगवान का। मैं बैठ जाऊँ? तुम एक काम करोगे? हाँ? ये कुर्सी अपने घर ले जाओ। ओम मंगलम भगवान विष्णु, ओम मंगलम गौरम ध्वज। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तुम्हारी अपनी पत्नी होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। ऐसी बीबी क्या जो अपने पति की ना हो सके? इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं अपनी मर्जी से ये शादी कर रही हूँ। सुन लिया ना, चलो जाओ अब। ऐसा मत कहो जी, आखिर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी? और तू? उमा, पत्नी तो वो होती है जो पति के सुख दुख में साथ दे, अपने पति के घर को स्वर्ग बनाए। उमा, औरत के काम से ही घर में बरकत आती है। जब वो झाड़ू लगाती है तो आने वाली मुसीबतें झाड़ू के तिनकों से टकरा कर वापस चली जाती है। जब वो चूल्हा जलाती है तो ईश्वर के नजर में वो तपस्या का चिराग माना जाता है और ईश्वर उसी घर में सुख की रोशनी बिखेरते हैं। जब वो कपड़े धोती हैं तो उन कपड़ों के साथ साथ उसकी तकदीर का मैल भी धुलकर साफ हो जाता है। औरत कहने को तो घर का काम करती है लेकिन असलियत में वो अपना धर्म निभाती है, अपने हाथों से अपनी तकदीर, अपना मुकद्दर संवारती है। और एक तू है, तू जो अपना घर, अपना पति छोड़कर अपनी माँ की गोद में पड़ी है। ठीक है, ठीक है, मैं तुझे देख लूंगी।
चल बेटी। नहीं माँ, तुम जाओ। क्या मतलब? मैं इनके साथ अपने घर जाऊंगी। लगता है यहाँ आकर तू पागल हो गई है। यहाँ आकर ही तो मुझे अकल आई है। अगर झूठी अकड़ में घर बैठी रहती तो एक दूसरी शादी कर लेते। तो फिर जा जहन्नम में मर भिखारी के साथ। तुम एक काम करो, तुम आगे निकल जाओ। मैं इन लोगों को समझा के आता हूँ, नहीं तो ये बाद में गड़बड़ करेंगे। जाओ। अच्छा। ये लेना और ये अपने नाटक कंपनी में बांट देना। हाँ। और उनको कहना घर जाके सो जाओ। हाँ, सबको सुला देता हूँ। बोलो श्री सत्यनारायण देव की जय। हेलो पिताजी, मैं लल्लू बोल रहा हूँ। हाँ बोल बेटा। क्या आइडिया बताया था आपने? तीर बिल्कुल निशाने पे जाके बैठा। अच्छा, और उमा? उमा मेरे साथ आ गई। क्या बात करता है? और शांता? माँ जी जख्मी शेरनी की तरह छाती पकड़ के रह गई। रहे नाम भगवान का। वाकई रहे नाम भगवान का। अच्छा सुन, वो कांटे वाली शेरनी आ रही, फोन रख दे। आओ कांटा ने शांता। ये तुम्हारी आंख में मगरमच्छ के आंसू? क्या कहा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है मैं आंसू। आंसू नहीं तो क्या, कीचड़ होगा। मेरी लाडली बेटी अपने ससुराल चले गए। अरे रे रे रे, मतलब शैतानों की टीम आधी हो गई है ना? नहीं मेरा मतलब है कि बहुत दिनों बाद अकल आई उसको। काफी दिन गुजार लिए उसने इस घर में। अगर पहले चली गई होती तो अब तक दो बच्चों की माँ बन चुकी होती। कैसे उल्टी सीधी बातें करते हो जी? अब मेरा क्या होगा? मेरी देखभाल कौन करेगा? आंखों पे चश्मा लगा हुआ है और अकल की अंधी हो। इस घर में तीन तीन बहुएं हैं और जिसकी तीन बहुएं होती हैं वो आधी दुनिया की मालकिन होती है। अभी रोना धोना बंद करो, चेहरे का डिजाइन ठीक करो। रोते वक्त ज्यादा भयानक लगती हो। चलो 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 चलो, जा आंसू बचो। चलो चल, इतने सारे आंसू निकल कहां से रहे? आंखों में नल लगा हुआ है क्या? चलो चल चल चल। मेरे लिए कप चाय लाओ। सुनिए। अरे ये हार तो जाना पहचान लगता है। हाँ याद आया, ये सीता भाभी का है ना? हाँ। तुम्हारे पास कैसे है ये हार? उन्होंने ही मुझे तोहफे के तौर पे दिया है। अच्छा अच्छा, आप एक काम कीजिए ना, इस हार को बेचकर एक फोटो स्टूडियो खोल लीजिए और एक छोटा सा घर ले लीजिए। आओ बैठो। देखो माँ, पहली बात तो ये है कि ये हार बेचकर फोटो स्टूडियो तो दूर की बात रही, हम मकान भी नहीं खरीद सकते। दूसरी बात यह है कि किसी का दिया हुआ तोहफा भगवान के प्रसाद के बराबर होता है और प्रसाद को इंसान बेचा नहीं करते, है ना? तीसरी बात तो तुम जानती हो कि मैं एक ईमानदार और गैरतमंद आदमी हूं ना? तो मेरी प्यारी धर्म पत्नी, यह हार तुम ही पहना करो। इससे पति खुश होता है और पत्नी भी खूबसूरत लगती है। अरे कांता कांता, यह दादी माँ को देख, किस गुब्बारे की तरह मुंह फुलाई बैठी है। जब से उमा बुआ क्या चली गई, इनकी कपाले की तीन मुंह टूट गई। अच्छा कांता, दादी माँ सुबह सुबह कैसे चिल्लाती है, जब बता तो बताऊं? हाँ बता। बड़ी बहू, अरे यह छोटी बहू, कहाँ मर गई सबकी सब? मेरी तो भूख के मारे जान निकली जा रही है और इन हयाखोरों ने अभी तक नाश्ता नहीं लगाया। क्यों आप मेरे बच्चों के पीछे इस तरह हाथ धो के पड़ी हुई हैं? ये बच्चे हैं या शैतान के पिल्ले हैं जिनको तूने जन्म दिया है? ये हराम खोर मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी नकल करते हैं, इन दोनों को तूने ही सिखाया है। नहीं माँ जी, बच्चे मासूम होते हैं, उनको कोई क्या सिखाएगा? अरे बहू, तू इसे नहीं जानती। पहले मेरे बेटे को खा गई और अब इन बच्चों को मेरे खिलाफ सिखा सिखा कर मुझे टीवी लगाना चाहती है, मुझे मार डालना चाहती है। बस कीजिए माँ जी, बस कीजिए, हर बात की एक हद होती है। सुबह शाम आपके ये ताने सुन सुन कर जहर का घोट पीकर जी रही हूँ, सिर्फ इन बच्चों की खातिर, वरना कब की खुदकुशी करके मर गई होती। अरे तू क्या खुदकुशी करेगी, हजारों को मारकर मरने वाली ढे।
इससे पहले कि तू अपने जहर से मुझे डस ले, निकल जा इस घर से। मुझे नहीं चाहिए तू आज तेरे ये नालायक बच्चे। क्या करती हो भगवान, बच्चों को घर से बाहर निकाल रही हो? तुम बीच में मत बोलो जी, आज इस घर में ये रहेगी या मैं रहूंगी। लानत ऐसी जिंदगी पर, मौत भी नहीं आती मुझको, मेरा रहे नाम भगवान का। ठीक है माँ जी, आज आपकी ये भी तमन्ना पूरी हो जाएगी, हम चले जाते हैं। नहीं गंगा दीदी, ये क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? इन मासूम को ले जाकर कहाँ पालोगे? फुटपाथ पे। नहीं माँ जी, फुटपाथ पर नहीं, ये लोग इसी हवेली में रहेंगे क्योंकि ये इस घर के सदस्य हैं। हाँ, इनका भी इस घर पर, इस जायदाद पर औरों की तरह पूरा हक है, और ये हक इन मासूमों को मिलना ही चाहिए। ओहो, आज घूंघट में रहने वाली सीता के मुंह में जबान आ गई, हक की बात करने लगी। चल चल, तू भी निकल इस घर से। माँ जी। अमर, अंदर मत जाओ। क्यों, क्या हुआ? माँ जी, बड़ी दीदी छोटी दीदी सबको घर से निकाल रही है। और पिताजी क्या कर रहे हैं? वो बेचारे मजबूर होकर टहल रहे हैं। हाय डैड। बेशरम बेहया, तेरी इतनी हिम्मत है सिगरेट पी के बाप के मुंह में फूंक रहा है? अभी आपने हिम्मत देखी कहां है बाबूजी, अभी तो हर रोज मैं आपके सामने बैठकर शराब पीऊंगा, दुनिया भर के जुआरियों को घर में लाकर हर रोज जुआ खेलूंगा, इस घर को गिरवी रखवा दूंगा, और जब भी कभी तबीयत घबराएगी तो किसी मुन्नी बाई के कोठे पर जाकर अपना दिल बहलाऊंगा। वाह बाबूजी वाह, क्या मिलिट्री वाला हाथ मारा है, इसे कहां छुपा रखा था, इसी की तो जरूरत है। आज आज पहली बार आपने इस घर में हाथ उठाया है, इसे उठाए रहने दीजिए। यह आज तक नीचे था, इसीलिए इस घर की बुनियादों में अशांति की दीमक लग गई थी। इसे उठाइए और जोर से घुमाइए, और इस घर की उजड़ती हुई दुनिया को फिर से बसा लीजिए बाबूजी, फिर से बसा लीजिए। आज आज एक सोया हुआ शेर जागा है, इसे जागा ही रहने दीजिए। ये लीजिए अपनी मशीन गन, और भून के हटा लिए इस घर की शांति को। हाँ बाबूजी लीजिए, और भून के हटा लिए इस घर की शांति को, भून के हटा लिए। आज पहले तूने मेरे मन में सोए हुए धनराज को जगाया है, धनराज के अंदर सोए हुए मर्द को जगाया है, अब नहीं सोएगा वो, रे नाम भगवान का। कोई नहीं रहेगा इस घर में, चलो निकलो यहाँ से। आप कोई नहीं जाएगा यहाँ से बाहर, तुम अंदर जाओ। इनमें से कोई भी अंदर जाएगा तो मैं टांगे तोड़ दूंगी, निकल जाओ यहाँ से। शांता, मैं कहती हूँ तुम चुप रहो, और मैं कहता हूँ तुम अपनी बकवास बंद करो और अंदर जाओ। नहीं जाऊंगी, ये अंदर नहीं बाहर जाएंगे, निकलो। शांता, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ अंदर जाओ। अगर तुमने भी जिद की तो मैं तुम्हारी भी हालत खराब कर दूंगी। तो मेरी हालत खराब करेगी तो फिर रहे नाम भगवान का। तुम मेरी हालत खराब करेगी, रहे नाम भगवान का। मेरी हालत खराब करेगी। मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए भगवान के लिए, मुझे माफ कीजिए। माफ कर दूं? मैंने इस घर की नैया चलाने के लिए तुम्हारे हाथों में दी, तुमने उस नैया को तूफान के मझधारों में पहुंचा दिया। मैंने तुम्हें देवी समझकर इस घर का सुकून लाकर तुम्हारे चरणों में रखा, और तुमने महाकाली बनकर अपनी बहू बेटी की बलि चढ़ाना शुरू कर दी। लाना जो तुम पर बोलो। और बोलो, और गाली है तो अपनी बहू के सामने, अपने बच्चों के सामने, ताकि वो भी तुम्हारी तरह मुझे झंडे मारने शुरू कर दे। चुप, बकवास बंद। इंसान की इज्जत और जिल्लत उसके अपने करतूतों से होती है। जुल्म की लाठी से अगर दुनिया का सर झुकाने की कोशिश करोगी तो खुद का सर टूटकर अपने कदमों में गिर जाएगा। जाओ अंदर जाओ, वरना लाठी मार मार के सारा जिस्म नीला कर दूंगा। जाओ अंदर, जा, जाती हो ना मारूंगा भी। और तुम सीता, तुम पढ़ी लिखी हो ना, समझदार हो, इस घर के माहौल को समझती हो ना, तुम ही घर छोड़ के जा रही थी। चलो बस, रोना धोना बंद, ऐसी हालत में बच्चियां रोया नहीं करती, वरना होने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। चलो जाओ पर, और जब तक हम ना कहें नीचे नहीं आना। जाओ पर।
यहाँ पर। और गंगा तुम आज ही चार नौकर और एक बावर्ची का इंतजाम करो। जी मैं। ये हमारा हुक्म है, जाओ। और ये क्या है? मेरी बहू पोटली लेकर जा रही थी। जाओ चंदर चंदर। नहीं आज शुरू ना धोना बंद। अरे इधर तुमको बड़ों के मुंह लगना किसने सिखाया? भला इसने? अच्छी बात है, अभी तो तुम काम पे जाओ, मैं शाम को तुम्हारी खबर लूंगा। ठीक है चलो। यार आप तुम सास की लकड़ी तोड़ती हो, अगर आइंदा ऐसी हरकत की तो सर तोड़ दूंगा। चलो अंदर जाओ। चलो। अरे वाह दादाजी, आपने तो कमाल ही कर दिया। सुबह के नाश्ते में क्या खाया था आपने? ए, तुम लोगों की भी जबान बहुत लंबी होती जा रही है। चलो चलो अंदर जाओ, किताब उठाओ और पढ़ना शुरू करो। चलो आप। चलो नहीं तो मारूंगा। चलो आप। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, आज मेरी जरा सी हिम्मत ने इस घर की डूबती हुई नैया को बचा लिया। तेरे नाम भगवान का, मुंह काला हुआ शैतान का। पिताजी, सीता दीदी को लड़का हुआ है। लड़का? अरे इतनी बेटी, शांता शांता, अरे शांता शांता शांता, सीता के लड़का हुआ है। तो मैं क्या करूं? क्यों जाकर अकेले खुशियां मनाऊं? अरे भगवान, इतनी खुशी का मौका है, गुस्सा धूप दे और बाहर आ जा। आ जा, जा। नहीं, मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूँ, ये मेरी समाधि है। तुम क्या समझती हो, मुर्गा आजान नहीं देगा तो सुबह नहीं होगी? जिद्दी नीम चढ़े हुए करे लिखे औलाद, तो फिर मारो। दादाजी, दो दिन से कुछ नहीं खाया माँ जी ने। इसने दो साल भूखा मारने दो उसको। नहीं बाबूजी, नहीं दादाजी प्लीज, दादी को खिलाओ ना। अच्छा।
दीपा, याद है तुमने एक दिन कहा था मेरे जीने से तुम्हें खुशी होगी? तो आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई तुम मुझे खुश देखना चाहती हो? हाँ बिल्कुल। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? समझा, मैं शादीशुदा हूं इसलिए शायद तुम झिझक रही हो, लेकिन फिक्र मत करो, मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया। राम। हाँ दीपा, अब बिना सहारे के मुझसे जिया नहीं जाता, अगर तुमने इनकार कर दिया तो जिंदगी बेमकसद हो जाएगी, मैं वाकई खुदकुशी करके जिंदगी का खात्मा कर दूंगा। लेकिन राम, मैं भी तो औरत हूं ना, सोचने के लिए, जिंदगी के फैसले करने के लिए मुझे भी कुछ वक्त चाहिए। ठीक है, सोच लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। अरे दीपा जी, आप बैठिए, क्या देख रही हैं? मैं देख रही हूं कि आज के मॉडर्न जमाने में पति को भगवान की तरह पूजा जा रहा है। जमाना कैसा भी हो दीपा जी, मगर हिंदुस्तानी औरत हिंदुस्तानी सभ्यता के अनुसार हमेशा अपने पति को भगवान का ही दर्जा देती है। मगर पति अपनी पत्नी को देवी का दर्जा नहीं देता, ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है। सीता जी, आज आपका ये रूप देखकर मेरा दिल भर आया। दरअसल मैं आपको कुछ बताने आई हूं, जरा दिल थाम कर सुनिएगा। ये आप अपने पति को जो इतना बड़ा दर्जा दे रही हैं, उसकी पूजा कर रही हैं, आज आपके इसी पति ने दूसरी शादी करने का फैसला किया है। आप सचमुच देवी हैं। इस मंदिर में राम की जगह आपकी मूर्ति होनी चाहिए थी। आज आप जैसी देवियों की वजह से हमारे देश का सर ऊंचा है, हमारी संस्कृति अमर है। मुझे पूरा विश्वास है आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीता, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूं, तुम महान हो। नमस्कार सेठ जी। नमस्ते जी। क्या वो मेरा हीरों का हार तैयार है? जी हाँ, गुड, तैयार है। मगर मगर बैंक से आपका चेक वापस आ गया। बैंक से चेक वापस आ गया? ये कैसे हो सकता है? क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? श्योर। तो आपने पैसे दे दिए उसको? लेकिन फोन उठाइए पहले आप। यस सर। हेलो जी। हाँ एक मिनट सर, राम बाबू पूछ रहे हैं कि चेक का स्टॉप पेमेंट क्यों किया गया? मुझे दीजिए। दीजिए। चेक का स्टॉप पेमेंट मेरे हुक्म से किया गया है। आप कौन बोल रहे हैं? मैं तुम्हारा बाप बोल रहा हूं। ओ। एक पैसा मत देना इसको। यस सर। आप, मैं जानती थी आप जरूर लौटाएंगे। ज्यादा खुशी का ढोंग करने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। वो हीरों का हार का जो मैंने तुम्हें दिया था। हार? हाँ मैं अभी लाई। ये लीजिए। ये तो खाली, इसके अंदर का हार का है? मैंने तो इसी में रखा था। तो वो हार गया का? क्या ये बॉक्स उसे खा गया? ये क्यों नहीं कहती कि तुमने अपने चाहने वाले को दे दिया है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए मुझे मार डाली, अपने हाथों से जहर दे दीजिए, मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसा गंदा इल्जाम कभी मेरे दामन पर मत लगाइए। तुम मेरी हर बात मानने के लिए तैयार हो? हाँ। तो फिर इस तलाकनामे पे दस्तखत करो। मैं आपकी हर आज्ञा के सामने सर झुकाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तलाक से पहले मुझे यह तो बताइए मेरा कसूर क्या है? कसूर? एक सीधे सादे शरीफ आदमी की आंखों में धूल झोंककर पूछ रही हो कि मेरा कसूर क्या है? अरे अगर अपनी इज्जत के साथ अपना जमीर नहीं बेचा है तो अपने जमीर के गिरेबान में झांक कर पूछ अपने आप से कि तूने क्या पाप किया है? मेरा जमीर, मेरा दिल मेरे भगवान की तरह पवित्र है,
मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं कि मैंने क्या पाप किया है। ये वो राम ही नहीं रहा जो अपनी सीता की अग्नि परीक्षा ले सके, और ये किसी पे क्या इल्जाम लगाएगा? ये तो खुद मुजरिम है, अपनी पत्नी के होते हुए किसी और औरत की इश्क का भूत सवार है इस पर। भूत तो आपके सर पर सवार है श्री धनराज। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इस वक्त पिता से नहीं अपने पार्टनर से बात कर रहा हूँ। कौन पार्टनर? न तुम मेरे पार्टनर हो और न तुम्हारा उस कंपनी में कोई अधिकार है। आप शायद भूल रहे हैं कि कानूनी तौर पर मैं इस कंपनी का एक पार्टनर हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो कंपनी तो एक तरफ, इस हवेली को भी नीलाम करवा सकता हूँ। जिस बाप की उंगली पकड़ के तूने चलना सीखा, आज उसी बाप की कंपनियों से घर को नीलाम करने की धमकी दे रहा है तू? इतना सेना हो गया तू? वाह, एक बाप के लिए से बढ़कर खुशी का दिन और क्या हो सकता है कि उसकी औलाद इतनी सियानी हो गई है। मुबारक हो बेटे, मुबारक। छोड़िया फजूल की बात। आपको क्या हो गया है? आपके दिल में इस घर के खिलाफ किसने जहर भर दिया? बताइए, बताइए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, बताइए ना। अरे नालायक, मेरी देवी जैसी बहू को तूने कुलचा कहा? इससे तो अच्छा था तेरे पैदा होते तेरा गला घूमते। तुम लोग और चाहते ही क्या हो? तुम सब लोग मेरी मौत चाहते हो। इस पाप की बस्ती में रहने वाला हर इंसान मेरी मौत का इंतजार कर रहा है, मगर मैं नहीं मरूंगा। मैं जीऊंगा, अपनी जिंदगी जीऊंगा और ऐश से जीऊंगा। मेरा तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। रुक जा बेटा, एक बात मेरी सुन ले बेटा, ऐसे मत जा। एक बार अपने इस बूढ़े बाप को मर जाने दे, उसकी अर्थी को कांधा दे दे, उसकी चिता में आग लगा दे, उसके बाद जो जी मैं करना बेटा, जो जी मैं करना। राम, इतने दिनों के बाद आए हो, अपने बच्चे का मुंह तो देख लो। मैं और इस पाप की गठरी का मुंह देखूं? इसका मुंह उसी को दिखाओ जो इसका पाप है। भाभी, क्या बात है भाभी, तुम रो क्यों रही हो? अमर, राम आया था, उसने सीता पर हीरों के हार का चोरी का इल्जाम लगाया, और जाते जाते ये भी कह गया कि बच्चा उसका नहीं है, उसका बाप कोई और है। लीजिए। अच्छा है हार? बहुत अच्छा है। अब मुझे ये बताओ, ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो मैंने बताया था ना कि भाभी ने मुझे ये हार। तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती? हाँ, मैं दूसरे का सुहाग उजाड़कर, उस सुहाग के खून को सिंदूर बनाकर अपनी मांग में नहीं लगा सकती। बंद करो ये बकवास, मैं ऐसी झूठी दलीलों से बहुत धोखे खा चुका हूँ। तुमने धोखे नहीं खाए, बल्कि तुम्हारी आंखों ने तुम्हें खुद धोखा दिया है। तुमने जिस अमृत को जहर समझकर ठुकरा दिया, वो सीता भाभी अमृत है, वो सीता भाभी हजार देवियों से महान है। मैंने तुमसे प्यार किया और अब सीता तुम्हारी भाभी हो गई? ये तुमसे किसने कहा कि प्यार सिर्फ इश्क करने वालों के दरमियान होता है? क्या भाई बहन का प्यार नहीं होता? दोस्त दोस्त में प्यार नहीं होता? माँ बाप अपनी औलाद से प्यार नहीं करते? शट अप! तुम्हारा गला घोट के तुम्हें जान से मार डालूं। अगर नहीं, कितनी औरतों का गला घोटूंगा मैं। आज विश्वास हो गया, विश्वास हो गया कि औरत जात बेवफाई का दूसरा नाम है। तू यहां क्या लेने आया? मैं तुम्हें लेने आया हूं भैया। मेरा और तुम्हारा अब कोई संबंध नहीं है, लेकिन सीता भाभी से तो है। आपके बगैर वो अपनी जान दे देंगी। देती है तो देने दे। भैया ऐसा मत कीजिए, घर चलिए, मेरा कोई घरवार नहीं है। भैया अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो हमें माफ कर दीजिए। मैं क्या तो मेरे रास्ते से हट जाइया, मैं तुम्हें घर लेकर ही जाऊंगा। भैया चाहूं तो मैं भी हाथ उठा सकता हूं, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मारूंगा तो चोट भाभी को लगेगी। अरे तू क्या मारेगा बुजदिल, तू तो आस्तीन का सांप है, सांप।
और फिर मैं वहां क्या तेरा उस कुर्ता के साथ प्यार का नाटक देखने जाऊंगा? भैया हट जाओ। लक्ष्मण जैसे भाई पर हाथ उठा रहा तू? ये लक्ष्मण नहीं पिताजी, दुश्मन है, दुश्मन, इज्जत का दुश्मन, माँ बहन की आबरू का दुश्मन। अरे क्या बोल रहा है तू? मैं ठीक कह रहा हूँ पिताजी, ये वो जलील भाई है जिसने अपने बड़े भाई की पत्नी के साथ जो रिश्ते में इसकी बड़ी भाभी लगती है और धर्म के अनुसार इसकी माँ समान होती है, इस जमीर फरोश ने उसके साथ नाजायज रिश्ते पैदा कर लिए। जान ले लीजिए मेरी, मगर आपने जो घृणा इल्जाम लगाया है वो साबित करके दिखाना होगा। अब क्या साबित करूँ? तेरे साथ वो पापन भी बराबर की शरीक है। तेरे प्यार में आकर मेरा लाया हुआ हीरो का हार तुझे तोहफे में दे दिया। एक एक मिनट राम भैया, जुर्म किसी और ने किया है और आप पाप का नाम लेकर किसी और बेगुनाह को गुनेगार ठहरा रहे हैं। इस सारे फसाद की जड़ आपकी ये बहन है, ये चोटी है। जो हार आपने सीता भाभी को दिया था वो सीता भाभी ने अमर भैया को नहीं दिया था, वो हार बल्कि इसने चुराया था। चुराया था ना? ये लीजिए, ये है ना वो। अब तो यकीन आ गया? सिर्फ हार मिल जाने से उसकी पवित्रता साबित नहीं हो जाती पिताजी, मेरे पास उसके पाप के बहुत से सबूत हैं। और हमारे पास हर सबूत के तोड़ है भैया। बता दें इनको, राम भैया के दिमाग में सीता भाभी के खिलाफ शक का बीज कैसे बोया था? अमर हमेशा भाभी को आशा की प्यार की बातें सुनाया करता था। उस दिन भी वो वही कह रहा था, लेकिन भाभी सुनना नहीं चाह रही थी। इतने में राम भैया आ गए। मैंने फिर भाभी के खिलाफ बोलकर भैया के दिल का शक और भी गहरा कर दिया। अब तो विश्वास हो गया? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं किसी और की कही सुनी बातों पर शक करने वालों में से नहीं हूँ। मैंने खुद अमर को सीता से फोन पर बातें करते हुए सुना है। क्या सुना, क्या सुना था? ये कि अमर सीता को फोन पर कसम देकर बाग में आने के लिए कह रहा था, और फिर मैंने इन दोनों को बाग में खिलखिलाते बातें करते हुए अपनी आंखों से देखा है। भैया आपने जो कुछ भी सुना बिल्कुल ठीक सुना, लेकिन अमर भाभी को गार्डन में इसलिए बुला रहा था ताकि वो उन्हें मुझसे मिला सके। अमर ने मुझसे कहा था कि भाभी उनकी माँ जैसी है और जब तक वो मुझे पसंद नहीं कर लेती मैं इस घर में बहू बनकर नहीं आ सकती। तो फिर शादी के दिन मैंने सीता को अमर की गोद में देखा, वो क्या था? वो धोखा था। आपने तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखा था, दूसरा नहीं, क्योंकि उस वक्त उस कमरे में मैं भी उनके सामने मौजूद था। झूठ, बिल्कुल झूठ, तुम वहां नहीं थे। ये रहा उसका सबूत। देखा, जब अमर अपनी भाभी को गोद में उठाए था तब मैं वहीं मौजूद था और उनकी तस्वीर उतार रहा था। अमर अपनी भाभी को इसलिए उठा रहा था क्योंकि उनकी तबीयत अच्छी नहीं थी और नीचे नहीं जाना चाहती थी, और ये बच्चे की तरह अपनी भाभी माँ को गोद में उठा के नीचे ले जाने की जिद कर रहा था मेरे सामने। अब आया कुछ दिमागे शरीफ में? हाँ बेटे, इस चांडालनी की बातों में आकर तूने माँ बेटी के रिश्ते का अपमान किया है। अरे चांडालनी, तू पैदा होते मर क्यों नहीं गई? सुलिया, अरे सुलिया, तूने एक देवी की पवित्रता को गाली दी है। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा तुझे। सीधा
सीता। देख मुझे मरने दे। सीता नहीं, सीता भैया भी तुम्हारे करीब बैठे हैं भाभी, आंखें खोलो। तुम्हें तुम्हारे इस बेटे की कसम, आंखें खोलो। तुम्हें तुम्हारे इस बेटे की कसम भाभी, आंखें खोलो, आंखें खोलो भाभी, आंखें खोलो। सीता सीता, ये तुम क्या करने जा रही थी? गुनहगार तो मैं हूं, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए, सजा तो मुझे मिलनी चाहिए। सीता मैं, मुझे माफ कर दो सीता। मत करो ऐसी बातें, ये आंसू बहुत कीमती है, इसके एक कतरे के लिए सीता अपनी जान भी दे सकती है। राम पिताजी, पिताजी आपने मुझे राम का नाम तो दिया, लेकिन मैं शक के आग में जलकर राम के नाम की इज्जत न रख सका। ना बेटा, ना। मैंने सीता की पवित्रता पर शक किया और लक्ष्मण जैसे भाई के रिश्ते को गाली दी। मुझे माफ कर। नहीं भैया नहीं, ये क्या कर रहे हो? बड़ा भाई शक करे, गलती करे, मारे, कुछ भी करे, मगर पांव छूने का हक सिर्फ छोटे भाई का होता है, और आप मुझसे मेरा यह हक मत छीनना। अरे नहीं अमर, मुझे माफ कर देना मेरे भाई। बेटी एक बात कहूं, मैंने सारी जिंदगी जो गलती की वही गलती तूने भी की। मैंने अपनी पत्नी को उसकी औकात से ज्यादा छूट दे दी थी, और तूने अपने पति की भगवान से ज्यादा पूजा कर डाली थी। यही हम दोनों की गलती थी। जिंदगी रेलगाड़ी की तरह होती है बेटी, जिसमें मर्द इंजन की तरह होता है और औरत ड्राइवर की तरह होती है। अब अगर ड्राइवर इंजन को उसकी मनमानी करने दे, इंजन खुद की मनमानी शुरू कर दे, तो जिंदगी जाकर एक्सीडेंट के खड्डे में गिर जाएगी। इसलिए प्यार से सही, मगर एक दूसरे की लगाम थाम के रखनी चाहिए, और तब आराम से बिना झटके खाए हुए जिंदगी गाड़ी खुशियों के प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाती है। और यही है घर घर की कहानी, बाकी रहे नाम भगवान का। और मुंह काला हो। मैं क्यों बोलूं? सभी बोले। ये पहली मरतबा तुमने अक्ल की बात। छोड़ो जी। मुंह काला हो। शैतान का।